ओके, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक। लास्ट टर्म में बेटा हम लोगों ने क्या क्या देखा था? लास्ट टर्म में बेटा हमने हमने देखा था बैक बॉन्डिंग, देखा था हमने ब्लीचिंग एक्शन, देखा था हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे इनर पेयर इफेक्ट के बारे में। यस और नो? यस। चलिए तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बेटा, क्या होता है इनर पेयर इफेक्ट। ठीक है, नाम से मालूम चल रहा है, सबसे पहले बेटा नाम से मालूम चल रहा है कि कोई एक ऐसा पेयर, ठीक है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या हो जाता है बेटा, इनर्ट हो जाता है। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है ना बेटा, एकदम अटेंटिव रहेंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बेसिकली ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट बेटा, आपको मैं समझाना चाहूंगा कि ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना, ये ग्रुप सुनेंगे, पहले लिखेंगे नहीं, मैं लिखाऊंगा ग्रुप थर्ड ए से फिफ्थ ए पे काम करता है। कौन सा ग्रुप बेटा? ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या है अभी और देखेंगे हम लोग, ये कौन से ग्रुप पे ये काम करता है बेटा? थर्ड ए टू फिफ्थ ए में काम करता है। और थर्ड ए और फिफ्थ ए में भी बात करें बेटा, तो पीरियड नंबर, अगर मैं पीरियड की बात करूं तो पीरियड नंबर ये 4 to 6 में काम करता है, और 6 में ही बेसिकली ये इफेक्ट शो करता है, मतलब यहाँ पर 6 में ही ये इफेक्ट क्या होता है बेटा, मैक्सिमम है, मैक्सिमम होता है। और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस इनर्ट पेयर इफेक्ट के हमको नजर आते हैं वो कहाँ पर आते हैं? 6 पीरियड में ही नजर आता है। तो चलिए ये क्या है समझते हैं इसके बात को, समझते हैं इसके बारे में बात को, ठीक है ना बेटा। सबसे पहले जो मैं लाइन लिखाना चाहूंगा, ठीक है ना, वो सुनेंगे कि इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्या होता है। लिखेंगे बेटा यहाँ पर लिखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट में, सबसे पहले आगे लिखेंगे इफेक्ट इन विच, लिखेंगे इफेक्ट इन विच लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लिखेंगे इफेक्ट इन विच लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज मोर स्टेबल, इज क्या बेटा? मोर स्टेबल देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, देन क्या बेटा? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा जनरली अगर हम लोग बात करते हैं ना, जनरली हम लोग बात करते हैं कि लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, तो नॉर्मल अगर हम लोग बात करें तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बेटा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे कोई एक्स है, नॉर्मल बात करें एक्स जो है बेटा ये +2 है, एक्स +4 है, तो जनरल बात करें तो बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते जाएगा तो क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम हो रही है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ते जा रही है। सो नो समझ पा रहे क्या? लेकिन ऐसा इफेक्ट जिसमें जो है बेटा, जिसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा होती है, तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? बेटा स्टेट क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड क्या बेटा? इनर्ट पेयर क्या बेटा? इफेक्ट, इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये इफेक्ट किसमें प्रेजेंट होता है? अब लिखेंगे बेटा इफेक्ट जो प्रेजेंट होता है, इफेक्ट प्रेजेंट इन किसमें बेटा? पी ब्लॉक में। किसमें प्रेजेंट होता है ये? पी ब्लॉक में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और पी ब्लॉक में भी कौन सा ग्रुप? थर्ड ए से फिफ्थ ए। बेटा थर्ड ए कौन सा ग्रुप होता है? बोरोन वाला, अरे यस और नो? लेकिन यहाँ पर लिखूंगा चाहूंगा मैं थर्ड ए कौन सा बेटा, यहाँ दिख रहा है, थर्ड ए क्या होता है? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यस और नो? ठीक है, फोर्थ ए क्या होता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्या बेटा? टीन, और क्या? लेड, अरे यस और नो? ये फोर्थ ए हो गया। और फिफ्थ ए क्या होता है? इधर लिख लेते हैं, फिफ्थ ए दिख रहा है बेटा, फिफ्थ ए क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सबको मालूम चल, समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो इफेक्ट है ना, ये जो इफेक्ट है वो थर्ड ए, फोर्थ ए और फिफ्थ ए में होता है, और वो भी किस, कौन से पीरियड में पाया जाता है बेटा? ये कौन, देखो ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फोर्थ, फोर फाइव सिक्स, ये इफेक्ट फोर फाइव सिक्स में
पाया जाता है, शुरू होता है समझ लो, लेकिन एक्चुअल में ये इफेक्ट हमको दिखाई कहां पे देता है? सिक्स पीरियड वाले एलिमेंट्स में। समझ में आ रहा है बेटा? कौन से पीरियड में? सिक्स पीरियड में हमको ये दिखाई देता है, ठीक है ना। अब क्या मतलब है ये हम देखते हैं, ठीक है बेटा, सुनेंगे मेरी बात। पहले वर्बल सुन ले, वर्बल क्या है बेटा? सबसे पहले इतना लिख लिया क्या कि ग्रुप कौन से ग्रुप में पाया जाता है और कौन से पीरियड में? रेहाना बोलो जी सर। चलो अब ये होता क्या है, पहले वर्बल सुनेंगे देन मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, आप बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है मुझे बताओ, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है बेटा? 1s2 1 क्या 1s2 2s2 2p1 राइट? हां यस। आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन ये है बेटा 2s2 2p1 यस सर, ठीक है ना बेटा। एल्युमिनियम का क्या होगा? 3s2 3p1। गैलियम का क्या होगा? 4s2 4p1। अरे हां ना बोलो। इंडियम का क्या होगा? 5s2 5p1। और थैलियम का क्या होगा? 6s2 6p1 राइट। ये सबको समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, अब मेरी बात सुनेंगे भाई, थोड़ा सा पहले सुनेंगे भाई। F ब्लॉक जो एलिमेंट है, मतलब 4F, मैंने आपको लास्ट क्लास में पूछा था 4F एलिमेंट जो होते हैं बेटा, वो कौन से पीरियड में आता है? 6 पीरियड में आता है। अरे ठीक है ना बेटा, देखो 6s के बाद आता है 4F, ठीक है ना, और अरे हाँ ना बोलो, तो 6 पीरियड में आता है आपका। सिक्स पीरियड में आता है कौन बेटा? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अब मेरी हाँ, अब मेरी बात सुनिए। 6s 4f 5d and 6p लाइक ऐसा। तो मेरी बात सुनेंगे बेटा, ये 4f का जो सिग्मा होता है, सिग्मा वो काफी वीकेस्ट होता है। सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट, हमने पीरियडिक टेबल में पढ़ा था, ठीक है ना। तो सिग्मा बहुत ज्यादा वीक होने की वजह से, सिग्मा F इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से बेटा बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, वीकेस्ट हो जाता है। तो उसका सेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ जाता है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाने की वजह से बेटा, अब सुनना ध्यान में, ठीक है ना। यहाँ पर जो थैलियम का जो 6s बेटा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है थैलियम के? सबके एक ही बेटा, इसमें भी तीन है, थैलियम में भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तीन, इसमें भी तीन ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, कौन कौन से? 6s और 6p। तो क्या होता है कि थैलियम में F इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इसका जो Z इफेक्टिव है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और Z इफेक्टिव बढ़ जाने की वजह से ये 6s के जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको बेटा यहाँ ये जो 6s इलेक्ट्रॉन है इसको क्या एक्साइट होने ये नहीं देता उसको बेटा, इसमें अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा बढ़ जाता है किसमें? 6s इलेक्ट्रॉन में। और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाने की वजह से इस 6s के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, अगर मैं ऐसे बात करूं, क्या ये 6s है और ये 6p है, ये 6s और ये 6p, अरे यस और नो? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो s हाँ, तो इसके 6s सबसेल में z इफेक्टिव बढ़ जाने की वजह से बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होता, ठीक है ना बेटा। तो ये वाला 6s बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अच्छा, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसका मतलब है कि ये हो जाता है इनर्ट, और इनर्ट होने की वजह से, ठीक है ना बेटा, ये एक इफेक्ट शो करता है। कैसे बेटा? देखो, थैलियम जो है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये प्लस वन भी बनाएगा। अरे हाँ ना बोलो। और अगर ये एक्साइट हो गया तो बेटा थैलियम +3 में भी होगा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर एक्चुअल में ये बेटा, यहाँ पर ये जो 6s है ना, वो इनर्ट रहना ज्यादा बेहतर समझता है, मतलब क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव बेटा, थैलियम का जेड इफेक्टिव काफी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसका जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होता है, स्टेबल होता है। इसमें सबसे नीचे वाले एलिमेंट में, हमेशा ध्यान रखना, थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए में सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले एलिमेंट का जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल होता है। समझ पा रहे हो क्या? रीजन क्या बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? तो मैं सिंपल सी भाषा में फिर से बताऊं, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 6s जो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो हैवियर एलिमेंट्स हैं, इनका 6s ऑर्बिटल इनर्ट हो जाता है। अब इनर्ट क्यों होता है, वो रीजन आपको पता है, फिर से हम लोग देख लेंगे। तो
बेटा जो नीचे वाले ऑर्बिटल हैं इनका 6s सबसेल इनर्ट हो जाता है, और इनर्ट होने की वजह से ये बॉन्ड फॉर थैलियम का, थैलियम का ले लो या लेड का, पीबी का ले लो या बिस्मथ का ले लो, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, नहीं करता। जब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इनके जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे उनकी स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा होती है। आपको समझ आ रहा है बेटा? यस सर। चलो तो मैं जो जो बोलूंगा वो लिखते चलेंगे, लिखते चलेंगे क्या? सबको समझ में आ रहा क्या? वही कहानी किस्मत की है। किस्मत की अगर मैं बात करूं बेटा, यहाँ पर यह होता है 2H2 नाइट्रोजन का होता है 2H2 2P3, तो बिस्मथ का हो जाता है बेटा, बिस्मथ का हो जाएगा 6S2 6P3। ये प्लस, ये क्या प्लस 3 भी शो करेगा और प्लस 5 भी शो कर सकता है, लेकिन इसका बिस्मथ जो है ये प्लस 3 में ज्यादा स्टेबल है प्लस 5 से। रीजन क्या? इनर्ट पेरिफिक, इनर्ट पेरिफिक। सबको क्लियर? यस सर। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। तो चलो जैसा लिखाऊंगा, पहले समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, जैसे लिखाऊंगा बेटा वैसे लिखते चलना। चलो लिखेंगे लिखेंगे ड्यू टू दिस इफेक्ट, लिखेंगे बेटा वर्बल में बोलते जा रहा हूं, ड्यू टू दिस इफेक्ट 6s सबशेल लिख रहे हैं बेटा, ठीक है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, Do not participate in bonding and always exist as pair form and always exist as pair form, मतलब pair form में रहेगा, pair form बोल दो या इसको inert form। अरे समझ पा रहे हो क्या बेटा? Yes sir। pair form बोल दो या inert form बोल दो, ठीक है ना। चलो अब जैसे लिखूंगा बेटा, अब लिखते चलना, इसका मतलब क्या कि जो थैलियम है, थैलियम सीधा लिखना बेटा, अब थैलियम, थैलियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 6s2 6p1 है। समझ पा रहे हो बेटा इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? 6s2 6p1। तो यहां पर अगर मैं बोलूं ये थैलियम जो है स्टेबिलिटी, थैलियम जो है बेटा थैलियम प्लस 1 भी शो करेगा, थैलियम प्लस 3 भी शो करेगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर थैलियम प्लस 1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी प्लस 3 से। क्लियर है क्या बेटा? हाँ सर। तो ऐसा क्यों होता है? मेन तो रीजन वही है इनर्ट पेरिफेरल बेटा। रीजन सीधा यहाँ पर अगर एक बार रीजन पूछे डायरेक्टली ए1 वर्ड में, तो रीजन क्या है? इनर्ट, मेन रीजन तो यही बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन क्या है अगर हम लोग देखें तो बेटा क्या हुआ है? ओवर स्पिनिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। क्या बोल रहे बेटा? ओवर स्पिनिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। हां यस, ड्यू टू पुअर स्पिनिंग ऑफ, वेरी गुड, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग ऑफ क्या बेटा? 4f ऑर्बिटल, स्क्रीनिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स, Z effective increases. अरे yes or no? Yes sir. ठीक है ना? किसमें है? Z effective increases on 6s subshell. ठीक है, due to poor screening of f electrons, Z effective increases on 6s subshell. So 6s subshell do not participate in bond formation. समझ पा रहे क्या बेटा? Yes, sir. The electron of 6s subshell are not participate, do not participate in bond formation. सबको clear समझ में आ रहा है बेटा? जी sir. चलो
एक बार फिर से बेटा अब मैं लिख देता हूँ फाइनली, जैसे मैं थर्ड ए बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ठीक है ना बेटा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मेनली बात करेंगे बेटा ये इनर पेयर इफेक्ट किसमें होता है, थैलियम में होता है, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है भैया, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब मैं इसी एलिमेंट की बात करूं तो मैं यही पे लिखूंगा, इसी एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो मैं बेटा इसी के नीचे लिखूंगा, आप लोग भी नीचे ही लिखना कि थैलियम का जो है जेड इफेक्टिव, थैलियम का क्या बेटा जेड इफेक्टिव क्या हो गया, बढ़ गया है। अरे हाँ ना बोलो, जेड इफेक्टिव बढ़ गया है तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है। अरे हाँ ना बोलो भाई, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया है, या बोल दो कि बेटा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई है। अरे वो सारे इलेक्ट्रॉन निकलने में दी जाने वाली एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अरे हाँ ना बोलो बेटा, समझ पा रहे हो क्या, या मैं बोलूं बेटा इनर्टनेस बढ़ गया है, मतलब कहीं कुछ भी रीजन दिया जा सकता है ना, ऑप्शन देख के बेटा अपनी भावनाओं के साथ ठीक है आंसर करेंगे, इनर्टनेस इनर्टनेस बढ़ गया है। अरे समझ पा रहे हैं क्या बेटा, ठीक है। और इसी वजह से स्टेबिलिटी जो है, इसी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बढ़ गई है, इससे बेटा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से। सबको समझ में आ रहा है क्या, यस सर, ठीक है ना। चलो बेटा यहाँ पर तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये प्लस वन और प्लस थ्री कैसे शो करेगा, प्लस वन, ठीक है ना, जब ये ग्राउंड स्टेट में होगा तो ये प्लस वन और एक एक्साइटेड स्टेट में आएगा तब प्लस थ्री, यस और नो, ठीक है ना। अगर कोई मेटल है थर्ड ए का मेटल है ना, और ये NH2NP1 है, ये कब प्लस वन कब प्लस थ्री शो करेगा बेटा, तो ये वन वन, ये अपने ग्राउंड स्टेट में, अगर जब ये ग्राउंड स्टेट में होगा बेटा, ग्राउंड स्टेट में होगा तो प्लस वन शो करेगा, लेकिन अगर अपने एक्साइटेड स्टेट में होगा बेटा, नीचे लिख सकते हो, अगर ये एक्साइटेड स्टेट में होगा तब ये क्या शो करेगा, प्लस थ्री, ऐसा ये इधर चला जाएगा, ये अपने एक्साइटेड स्टेट में जब ये बॉन्डिंग करेगा बेटा तब ये प्लस थ्री शो करेगा। चल तो ये अपने, तो जो नीचे वाले जो एलिमेंट है वो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से। चलो स्टेबिलिटी पूछता हूँ बेटा, क्वेश्चन मुझे बताएंगे ना, स्टेबिलिटी का क्वेश्चन मुझे आप लोग बताएंगे बच्चों, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो हाँ सुनेंगे बेटा, गैलियम इंडियम थैलियम बन गया हुआ है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी पूछता है आपसे, गैलियम प्लस थ्री, ठीक है ना, इंडियम प्लस थ्री और पूछता है बेटा थैलियम प्लस थ्री, मुझे बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, गैलियम प्लस थ्री प्लस थ्री सबके सब प्लस थ्री में है, अगर सबके सब प्लस थ्री में बेटा तो ऊपर वाले बेटा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, मेरी बात सुनना बेटा, ऊपर वाले जो एलिमेंट है ना वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि नीचे वाले जो एलिमेंट है मतलब इसकी मैं बात करूं स्पेशली, तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो बेटा ये प्लस वन और प्लस थ्री शो करते हैं, प्लस वन और प्लस थ्री, तो ऊपर वाले एलिमेंट अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होंगे, मतलब अगर मैं बात करूं गैलियम प्लस थ्री इंडियम प्लस थ्री थैलियम प्लस थ्री, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा, अरे यस और नो, हाँ सर। लेकिन अगर मैं अब कहूं कि मैं गैलियम प्लस वन है, इंडियम प्लस वन है और थैलियम प्लस वन है, तो अब आपका क्या विचार है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, थैलियम प्लस वन तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा, थैलियम प्लस वन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन इंडियम प्लस वन, देन गैलियम प्लस वन, सबको क्लियर बेटा, सबको समझ में आ रहा है क्या, इसीलिए बेटा अगर आप लोग देखो फिर से कॉमन बात फिर से मैं बताना चाहूंगा आप लोग को, देखना जैसे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कहे शिव जी सुने प्रभु, अरे हाँ ना बोलो, यस सर, बेटा आप देखेंगे कि ऊपर वाले देखना, यहाँ पर तो कैल्शियम और सिलिकॉन होते हैं बेटा, ये टेट्रावेलेंट ही होते हैं, ये क्या होते हैं, टेट्रावेलेंट, ठीक है ना, लेकिन नीचे वाले जो होते हैं बेटा ये डाइवेलेंट भी होते हैं एंड टेट्रावेलेंट भी होते हैं, अरे समझ पा रहे हो बेटा, क्योंकि नीचे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की धीरे धीरे स्टेबिलिटी बढ़ते जाती है। जैसे मैं अगर यही पे बात करूं फिर से स्टेबिलिटी पे बात करूं बेटा, जर्मेनियम प्लस फोर, Sn प्लस फोर, Pb प्लस फोर, तो अब आपका स्टेबिलिटी में क्या विचार है इनका, बोलो जल्दी बोलो फास्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या डिक्रीजिंग, मतलब जर्मेनियम प्लस फोर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, देन Sn प्लस फोर, देन Pb प्लस फोर, लेकिन अगर अभी मैं इसमें बेटे इसके लोअर ऑक्सीजन स्टेट में बात करूं प्लस टू प्लस टू प्लस टू, अब आप क्या कहेंगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा,
इंक्रीजिंग ऑर्डर। वेरी गुड, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा फिर से मुझे बताना एक बार फिर से, सबको क्लियर है बेटा, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सबको क्लियर। हाँ फिर से बताइए एक बार फिर से, क्या इतना ही है बेटा? कुछ भी नहीं ज्यादा, इतना ही। मुझे एक बार फिर से बताएंगे स्टेबिलिटी, मुझे बताएंगे जर्मेनियम प्लस फोर और जर्मेनियम प्लस टू में किसकी ज्यादा है? प्लस फोर। जर्मेनियम प्लस फोर और प्लस टू में किसकी ज्यादा है? प्लस फोर की ज्यादा है। और अगर मैं कहूँ, अगर मैं इसी में कहूँ पीबी प्लस फोर और पीबी प्लस टू में अब किसकी ज्यादा है? प्लस टू। प्लस टू बेटा, प्लस टू। प्लस टू की। सबको क्लियर बेटा? यस सर। प्लस फोर की सर। अरे यार नीचे वाले एलिमेंट प्लीज ध्यान रखना, नीचे वाले एलिमेंट जो है बेटा फॉर लास्ट एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो होती है बेटा वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा होती है। अरे मेरे भाइयों सब क्या कर रहे हो? कंक्लूजन क्या है बेटा? कंक्लूजन क्या है बेटा? फॉर लास्ट एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से। सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा? मतलब अगर मैं कहूँ थैलियम प्लस वन और थैलियम प्लस थ्री, तो थैलियम प्लस वन की स्टेबिलिटी ज्यादा है थैलियम प्लस थ्री से। या मैं कहूँ बेटा थैलियम के बाद उधर क्या आया था? पीबी प्लस टू, ठीक है ना? और पीबी प्लस फोर की मैं बात करूं तो पीबी प्लस टू की स्टेबिलिटी पीबी प्लस फोर से ज्यादा है। या मैं कहूँ बेटा बिस्मत प्लस थ्री और बिस्मत प्लस फाइव, तो बेटा बिस्मत प्लस थ्री की स्टेबिलिटी बिस्मत प्लस फाइव से ज्यादा होगी। सबको क्लियर समझ में आ रहा है बेटा? लेकिन इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स, लेकिन अगर इनके ऊपर वाले एलिमेंट्स बेटा इसको इसके नीचे लिखना, इसको इसके नीचे लिखना, अरे लिखना ना, ठीक है क्या? ठीक है ना? तो पहला कंक्लूजन फॉर लास्ट एलिमेंट, लेकिन इससे ऊपर वाले एलिमेंट जो है बेटा, मतलब फॉर अपर एलिमेंट में अगर मैं बोल दूं, फॉर अपर एलिमेंट, यहाँ भी उल्टा हो जाएगा कि हायर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी क्या हो बेटा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा होगी। सबको समझ में आ रहा है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर मैं बोलूं एसएन की मैं बात करूं बेटा, एसएन प्लस फोर है और एसएन प्लस टू है, तो एसएन प्लस फोर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एसएन प्लस टू से। समझ में आ रहा है क्या? या अगर मैं ऐसे बोलूं गैलियम, गैलियम प्लस थ्री है और गैलियम प्लस वन है, तो गैलियम प्लस थ्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी गैलियम प्लस वन से। या मैं बात करूं एल्युमिनियम प्लस थ्री है बेटा, ये तो वैसे भी ट्राइवेलेंट लगभग बनाता है, प्लस थ्री है, एल्युमिनियम प्लस वन है, तो प्लस थ्री की स्टेबिलिटी ही ज्यादा होती है एल्युमिनियम प्लस वन से। सबको समझ में आ रहा है क्या? या मैं कह दूं P plus 5 है, फास्फोरस और प्लस 3 है, तो प्लस 5 की स्टेबिलिटी प्लस 3 से ज्यादा होगी। सबको क्लियर? तो ऊपर वाले जो एलिमेंट है लास्ट एलिमेंट को छोड़कर, अगर मैं ऊपर वाले एलिमेंट की मैं बात करूं, तो वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि जो लास्ट एलिमेंट है, अलग से लिखा हुआ बेटा, लास्ट एलिमेंट जो है उनके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा होती है। सबको क्लियर? ठीक है बेटा, चलो बेटा, इसीलिए ना ये बिस्मत प्लस फाइव हो गया, पीपी प्लस फोर, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होते हैं, ठीक है ना? बिस्मत प्लस फाइव तुरंत बेटा अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना? तो ये तुरंत सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हो जाते हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या? जैसे बिस्मत प्लस फाइव ले लो या पीपी प्लस फोर ले लो बेटा, ये ना अच्छे गुड क्या होते हैं बेटा? ओए होते हैं, ये गुड ओए होते हैं। क्यों होते हैं बेटा? ये और रेयरली ही मिलते हैं, ये बिस्मत, ये आपको ना प्लस फाइव में रेयरली ही मिलेगा, मतलब BIF5, ठीक है ना? बस यही कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, रेयरली ही। समझ पा रहे हैं बेटा? तो ये अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो ये तुरंत क्या करते हैं बेटा, ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाते हैं। सबको क्लियर? सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलो अच्छा नेक्स्ट बेटा, जैसे थैलियम क्लोराइड है ना, जैसे मैं बात करना चाहूंगा, ठीक है? तो जैसे थैलियम क्लोराइड है बेटा, ये थैलियम क्लोराइड है। थैलियम क्लोराइड को आप एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो ये क्या देगा बेटा? थैलियम प्लस वन सीएल माइनस। अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे हाँ ना बोलो, सबको समझ में आ रहा है क्या? अरे ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ लेकिन अगर बेटा आप सुनिए मेरी बात सुनेंगे, लेकिन अगर आप लोग ना थैलियम TlCl3 दे दिए, TlCl3 दे दिए, अरे क्लियर है क्या? तो यहां पर ये थैलियम प्लस थ्री
प्लस थ्री सी एल माइनस देना चाहिए बेटा? हाँ देना चाहिए। अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर। पर ये ऐसा नहीं कर, ये ऐसा नहीं देता यहाँ पर बेटा, ये अनस्टेबल है, तुरंत क्या हो जाता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये थैलियम, ये प्लस थ्री से ये प्लस वन, थैलियम प्लस वन मतलब थैलियम बेटा, ये थैलियम सी एल, जैसे मैं बोल दू थैलियम प्लस सी एल प्लस सी एल, और यहाँ पर फाइनली देखो क्या मिलता है, प्लस वन और माइनस वन। अरे क्लियर है क्या? हाँ हाँ ठीक है, सबको क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि थैलियम जो होता है बेटा वो प्लस वन में ज्यादा स्टेबल है। अरे ठीक है बेटा, जी सर। ये प्लस वन और ये माइनस वन ये देता है, प्लस थ्री नहीं। चलिए नेक्स्ट, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट आप लोग प्लीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है बेटा? हाँ क्या देखो पी, जैसे आपको पूछा जाए पीबीएफ फोर या पीबीसीएल फोर, बेटा ये एग्जिस्ट करते हैं, ये फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन पीबी पीबीबीआर फोर PBBr4 या PBI4 exist नहीं कर पाते, समझ पा रहे हैं बेटा, does not exist, या अगर मतलब रियली अगर करे भी तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है ना, does not exist, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे PB अपने हायर में है और BR तो बेटा जैसे ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं F minus CL minus BR minus, तो reducing affinity और बढ़ती जाती, गुड आरे होते जाते हैं, I minus तो एक अच्छा reducing agent है, अरे हाँ ना, तो इनमें redox हो जाता है, इनमें क्या हो जाता है बेटा, रिडॉक्स, तो ये PBBr4 या PBI4 बेटा ये एग्जिस्ट नहीं करते, इधर हो जाएगा बेटा गुड ओए हो जाएगा, इधर हो जाएगा आरए, तो आपस में क्या हो जाता है रिडॉक्स, तो ये जो होते हैं बेटा ये एग्जिस्ट नहीं करते, नहीं करते। सबको समझ में आ रहा है क्या? जैसे PBI4 अगर है, PBI4 है तो तुरंत बेटा किसमें टूट जाता है, PB, ठीक है ना, PBI2 प्लस I2 में ये कन्वर्ट हो जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है ना, हाँ। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे बताएंगे, विच कंपाउंड एग्जिस्ट, एक क्वेश्चन बताएंगे बेटा, विच कंपाउंड एग्जिस्ट सर, इसमें रिडॉक्स नहीं होता क्या पीबी सीएल4 वगैरह में? क्या बेटा ये जो है ना एक अच्छा आरए नहीं है, ये आई आयोडीन आई माइनस हो गया बेटा, ये आरए है, रिड्यूसिंग एजेंट, सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा? रिडॉक्स तभी होगा ना जब एक ओए होगा और एक आरए होगा। चलिए सुनेंगे ध्यान से, फिर से एक क्वेश्चन बताएंगे बेटा, विच कंपाउंड एग्जिस्ट, विच कंपाउंड एग्जिस्ट, ठीक है? तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन है एन आई फाइव, नंबर टू, नंबर टू एन आई फाइव हो गया बेटा, एक है बी आर फाइव, एक है बी आर फाइव, थर्ड ऑप्शन है बोथ, फोर्थ ऑप्शन है नन, मुझे बताओ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जल्दी बताओ फास्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नन आंसर है क्या? नन, शाबाश। बट एन आई फाइव एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि एन प्लस फाइव में आई माइनस में आई माइनस वन है, हो जाता है रिडॉक्स। अरे यस और नो, यस और नो, ऐसे भी रीजन दे सकते हैं सर कि आयोडीन बड़ा बड़ा साइज का है ना, तो वो एक छोटे से नाइट्रोजन के पास। अच्छा ठीक है, नहीं सर रिडॉक्स रीजन नहीं है, रीजन ये है, ये वाला रीजन है, ड्यू टू लार्ज साइज, स्टेरिक हिंड्रेंस, लार्ज साइज ऑफ आई माइनस, ठीक है ना, देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट? यस यस सर, शाबाश, ये भी गलत आंसर है, डी ऑर्बिटल नहीं है यार, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन शो करता है क्या, मतलब आई मीन नाइट्रोजन पेंटावेलेंसी में प्लस फाइव ऑक्सीजन शो करता है, वो तो ठीक है, क्या नाइट्रोजन की पेंटावेलेंसी पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं, ठीक है बेटा, रीजन जरूर ध्यान रखना, एन आई फाइव एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की पेंटावेलेंसी पॉसिबल नहीं नहीं, नहीं है, मैक्सिमम से मैक्सिमम चार बॉन्ड ही बना सकता है, हालांकि प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है, प्लस फाइव शो कर देता है, जैसे आप उसके ऑक्सीएसिड जब देखेंगे ना बेटा, उसके ऑक्साइड देखेंगे ना, तो प्लस फाइव जरूर शो करेगा, ठीक है ना, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव शो करता है, लेकिन बेटा वो मैक्सिमम चार बॉन्ड ही बना सकता है, नाइट्रोजन चार से ज्यादा नहीं, ठीक है ना, तो ड्यू टू क्या बेटा, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल Ni5, अरे वही तो कहानी है ना, NCl3 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों?
ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. अरे हाँ ना बोलो तो प्लीज रीजन ध्यान में रखना. क्या रेडॉक्स रीजन है क्या? नहीं. क्या आयोडीन की लास्ट साइज रीजन है क्या? नहीं 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 समझ पा रहे ना? हाँ तो दोनों कोई रीजन नहीं बेटा. रीजन क्या? रीजन ये कि इसके पास वैकेंट क्या डी ऑर्बिटल क्या है? अब्सेंट है. अरे क्लियर है बेटा? Yes. चलो बी आर आई फाइव एग्जिस्ट नहीं करता. क्यों? क्योंकि पांच लार्ज साइज के आयोडीन जो होते हैं वो बी आर के चारों ओर अरेंज नहीं हो सकते, इसलिए बी आर फाइव एग्जिस्ट नहीं करता. बोलो क्या सही है गलत? और आई माइनस जो बेटा एक अच्छा ये हायर रेफरेंस स्टेट में है तो एक अच्छा ओ ए है और आई माइनस एक अच्छा आर ए है तो इनके बीच में हो जाता है रेडॉक्स. तो प्लीज ध्यान में रखना, इसलिए ये बी आई आई फाइव भी एग्जिस्ट नहीं करता. सबको क्लियर बेटा? सर इसका कुछ नाम है बी आर आई फाइव का? इसका बेटा बी आर आई फाइव का बेटा ब्रोमीन पेंटाइड आयोडाइड बोलोगे और क्या, लेकिन जो एग्जिस्ट नहीं करता. क्या ब्रोमिक? सर ब्रोमीन प्लस सेवन भी तो जाता है. अरे यार बेटा ऑक्सीड, हे भगवान बेटा प्लस देखो ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है. आई एफ सेवन एग्जिस्ट करता है, आई एफ सेवन यहाँ पर प्लस सेवन से शो करता है. समझ पा रहे क्या बेटा? तो बॉन्ड 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 में बात करूं बेसिकली प्लस सेवन यहाँ पर बेटा ये ब्रोमीन मैक्सिमम प्लस फाइव ही शो करता है, आयोडीन प्लस सेवन तक शो करता है. समझ पा रहे हो क्या? आयोडीन शो करता है प्लस सेवन. ठीक है किसमें रेडॉक्स हो रहा है किसमें नहीं हो रहा है ये कैसे पता करेंगे? बेटा मैंने इसलिए तो बताया ना कि अगर आपको रेडॉक्स कब होता है, आपने रेडॉक्स पढ़ा ही होगा. अगर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ पा रहे हो बेटा? तो वहां पर ओ ए और आर ए मिलकर क्या हो जाता है? रेडॉक्स. बेटा आपने रेडॉक्स पढ़ाया ना, सिद्धार्थ ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? रेडॉक्स पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? पढ़ा है ना, तो फिर कोई दिक्कत हो रही है? और यहाँ पर मैं तो पहले ही बता रहा हूँ कि जो ठीक है ना, जैसे अभी मैं बी आर फाइव की मैं बता रहा हूँ, तो बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन है बी आर आई फाइव लेकर कि बी आर भी बेटा ये अपने प्लस फाइव में है. बी आर प्लस सेवन शो नहीं करता, प्लस फाइव तक ही शो करता है, आयोडीन प्लस सेवन तक शो करता है. समझ पा रहे हो क्या? तो बी आर भी अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना. और आई एक क्या है बेटा? आई क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब नीचे. मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो यहाँ पे भी ओ ए, मतलब मैं जैसे पीबी के साथ लेके बताया, ठीक है, बिस्मत के साथ लेके बेटा. अरे यार यार बी आर आई फाइव, हाँ बी आर आई फाइव भी वही है, ठीक है ना. बेटा एक सेकंड, एक गलती होगी मुझसे यार, मैं बी आर बी आर चला गया, मैं बिस्मत है, सॉरी भाई, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था. सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी बेटा. तो वो भी तो सर सही था, वो भी सही था, लेकिन वो क्वेश्चन में नहीं था, छोड़ दो, वो भी सही था, मतलब वो नहीं होता. हां 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 लेकिन बेटा हां अब ये वो भी सही था, ठीक है छोड़ो उसको, क्वेश्चन में नहीं था तो छोड़ो ना. इनऑर्गेनिक जब तक क्वेश्चन में नहीं मिलेगा तब तक हम बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी में अपना दिमाग नहीं लगाना, जो सामने वाले ने बोला उसी के दिमाग लगाना, ठीक है ना बेटा. लेकिन हाँ सही तरीके से जो उन्होंने बताया उसको समझना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि उसको सही जो उसने समझाया है उसको हम याद कैसे कर रख सके, या वो एक्सप्लेनेशन दिया वो उनको सही तरीके से मालूम होना चाहिए कि बी आर नहीं था, बी आई था, प्लीज करेक्ट इट, आई मेड मिस्टेक, सॉरी बेटा, ठीक है ना. गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में, ठीक है. yes, तो बी आर नहीं है, बी आई है, बी आई है, ठीक है ना. ठीक है तो बेटा ये अपने बी आर चला गया यार, मैं बी आर लिखा तो मैं भी बी आर में चला गया, बताओ. तो ये प्लस फाइव में आई माइनस बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिडॉक्स हो जाएगा. क्लियर है क्या? यस सर. चलो आगे बढ़े बेटा. जी सर. अच्छा चलो एक बार फिर से अब मजा आएगा, अब आएगा मजा. तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया सर. चलो एक बार फिर सुने, अब एग्जिस्टेंस में वापस आ जाते हैं हम लोग. बेटा मुझे बताओ क्या एस एफ सिक्स एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ करता है, करता है. एस एफ सिक्स एग्जिस्ट करता है, है ना. चलो मुझे बताओ क्या एस एच सिक्स एग्जिस्ट करता है क्या? सुने तो नहीं, नहीं, तो सर नहीं पता, शायद नहीं,
एक बार फिर से बताएंगे शायद नहीं। PH5 एग्जिस्ट करता है क्या? बिल्कुल करता है ना, करता है ना, तो PH5 भी करता होगा। अच्छा करता है क्या हमें नहीं पता सर, हमें नहीं पता, तो प्लीज जाना शायद करता हो। SF6 एग्जिस्ट करता है ठीक है ना, बट SH6 एग्जिस्ट नहीं करता। PH5 एग्जिस्ट करता है ठीक है बेटा, PH5 एग्जिस्ट करता है बट PH5 एग्जिस्ट नहीं करता, डू नॉट एग्जिस्ट। समझ पा रहे बेटा? तो ऐसा क्यों ठीक है ना, बहुत ज्यादा लो हो जाता है। हाँ अब मेरी बात सुनिए, वेरी गुड, सही बोल रहे बेटा, आंसर आपका सही है। तो एक बार समझते हैं उसको, देखो क्या हाइड्रोजन की लास्ट साइज है क्या बेटा? क्या हाइड्रोजन की लास्ट साइज है जो चारों रेडियंट नहीं हो पा रहे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सुनेंगे मेरी बात, पहले समझ लेंगे बेटा, और समझने के बाद बेटा वन वर्ड में आंसर जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। सुनेंगे बेटा, सल्फर की मैं बात करता हूँ, सल्फर ठीक है बेटा, सल्फर में इलेक्ट्रॉन, बेटा सल्फर का मुझे बताओ, सल्फर का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? H2 3H2 बेटा, ऑक्सीजन का बताओ यार जल्दी से, ऑक्सीजन बताओ तो 2H2 2P4 खाना बोलो। यस सल्फर का क्या हो जाएगा? 3H2 3P4। सुनना मेरी बात, पहले मेरी बात सुनेंगे ना पक्का? हाँ, मेरी बात सुनेंगे ना, मेरी बात थोड़ा सा सुन लेंगे, और सुनने के बाद ना फिर मैं जो लिखाऊंगा उसको लिखेंगे ठीक है। यहाँ तक तो दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। सुनेंगे बेटा, पहले मैं समझा देता हूँ फिर मैं लिखा दूंगा। ये ऐसा 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 ठीक है हमारे यहाँ तक? ये तो ठीक है। सुनना अब मेरी बात सुनना, S बेटा दो फ्लोरीन आ जाएंगे यहाँ पर, तो SF2 एग्जिस्ट करता है बिल्कुल ठीक है, एकदम दिमाग में बिठा लेंगे। फ्लोरीन की जगह H भी आ सकता है, तो SH2 भी एग्जिस्ट करता है बेटा। जैसे ही अब सुनना, जैसे ही अब इलेक्ट्रॉन एक एक्साइट होगा यहाँ पर जाएगा, तो SF4 बन सकता है बेटा। लेकिन SH4 नहीं बनेगा, नहीं बनता। अगेन एक इलेक्ट्रॉन और एक्साइट होगा ठीक है ना, तो बेटा एक और फ्लोरीन आ सकता है, एक और SF6 एग्जिस्ट करता है बट अगेन SH6 एग्जिस्ट नहीं करता। क्या मतलब बेटा? अब सुनो एक बार फिर से सर, ये क्या मामला किया आपने, एक बार फिर से तो करो। हाँ करता हूँ बेटा, यही था ना? तो बेटा सुनो वापस से, हमेशा ना वापस मतलब जब रीजन देखना तो थोड़ा सा वापस उसमें जाओगे। क्या हुआ था भैया? इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ था तो अगेन यहाँ पर फ्लोरीन और फ्लोरीन आ गए थे, लेकिन हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन की मैं बात करूं मतलब SH4 एग्जिस्ट नहीं कर, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक नहीं जा रहा होगा। यहां से यहां तक जाता तो हाइड्रोजन को आने में क्या दिक्कत? मेरी बात समझ पा रहे हो क्या बेटा? वो फ्लोरीन है जिसके आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से यहाँ पे जा पाया ठीक है ना, और ये फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर पाया। हाइड्रोजन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहा था, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ SH2 एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब ग्राउंड स्टेट में ही। जब सल्फर अपने ग्राउंड स्टेट में था तभी SF2 भी बन पा रहा था और SH2 भी बन पा रहा था। जैसे एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, मतलब फ्लोरीन के केस में बेटा इसका फर्स्ट एक्साइटेशन पॉसिबल हुआ, हाइड्रोजन के केस में फर्स्ट एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं हुआ। SF6 का फॉर्मेशन सल्फर के सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ था, जब अगर इसका हो सकता तो इसका भी हो सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहां पर सेकंड एक्साइटेशन भी पॉसिबल नहीं हुआ। सबको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? पर ऐसा क्यों हो रहा है सर? हाँ अब सुनेंगे, यही तो मैं चाह रहा हूँ, सुने मेरी बात। तो ऐसा क्या होता है बेटा सुनेंगे, ये सल्फर का ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, यस और नो? हाँ ठीक है ना। अब थर्ड सेल में क्या होता है बेटा? एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है और एफ भी नहीं होता।
आपको ये भी मालूम है कि इन सब शेल की भी कोई अपनी एनर्जी होती है, अरे इनकी भी तो एनर्जी होती है बेटा, लगभग सेम एनर्जी होती है, लेकिन एनर्जी तो होती है, 3D की तो बहुत ज्यादा होती है। 3D बेटा अगर हम लोग देखें 3s 3p then 4s then 3d, अरे हां ना बोलो, हां तो मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। मैं ना बेटा अभी थर्ड सेल को ले रहा हूँ, अभी सुनना बेटा, समझने का है, मैं सिर्फ समझाना चाहूंगा, उसके बाद तो बेटा जो एक लाइन पढ़ो फिर कहानी खत्म हो जाता है। अगर मैं इसके 3s 3p और 3d को बेटा, इन 3d को इस तरीके से एनर्जी ऑर्डर में लिखूं तो क्या आप मुझे गलत तो नहीं कहेंगे? मैं ऐसा बना रहा हूँ, ये एनर्जी बना रहा हूँ, ये एनर्जी बना रहा हूँ ना, एनर्जी, एनर्जी मतलब बेटा इसमें 3s की एनर्जी सबसे कम है, 3s की एनर्जी सबसे कम है, देन 3p और देन 3d। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। अरे इस ये जो सेम सेल में है इसको एनर्जी चार्ज अगर मैं करूँ तो क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या समझाने की? कर सकते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर एनर्जी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, तो मेरी बात समझना बेटा, मेरी बात समझना, क्योंकि बेटा ध्यान रखना 3p और 3d में ना एनर्जी का बहुत ज्यादा गैप है, ये गैप जो है ना बेटा, ये गैप एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, और एनर्जी का गैप ज्यादा होने की वजह से ठीक है ना, जब हाइड्रोजन आता है ना तो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं हो पाता, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जा पाते, जब हाइड्रोजन आता है, फ्लोरिन आता है तो क्या होता है, तो फ्लोरिन जब आते हैं ना बेटा, तो फ्लोरिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये 3d ऑर्बिटल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना बेटा, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से 3d ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है बेटा, तो इनका जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होके वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ये 3d जो है यहाँ से यहाँ पे आता है, जैसे एनर्जी गैप कम हुआ अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और सल्फर के जो फ्लोराइड है उनका फॉर्मेशन हो पाता है, परंतु सल्फर के जो हाइड्राइड है बेटा इनका फॉर्मेशन मतलब यहाँ SH4 या SH6 का फॉर्मेशन नहीं होता। सबको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, क्या मतलब मैं ऐसे मैं बोलूँ कि फ्लोरिन के केस में कॉन्ट्रेक्शन 3D ऑर्बिटल का कॉन्ट्रेक्शन हो पाता है, जबकि हाइड्रोजन के केस में सल्फर के साथ जब हाइड्रोजन का हम लोग बॉन्डिंग करेंगे तो हाइड्रोजन के केस में 3D ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, नो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और आपको बुक्स में जो लिखा रहता है बेटा इतना कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं रहता है, बुक्स में बस इतना लिखा रहता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से SF4 और SF6 का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इसीलिए SH4 या SH6 का फॉर्मेशन नहीं होता। जो बात सल्फर की और बेटा वही बात ना फॉस्फोरस की भी होता है, फॉस्फोरस के लिए भी यही बात होता है कि PF3 बनता है और तो PH3 भी बनता है, लेकिन PF5 बनता है तो PH5 को भी बनना चाहिए था पर PH5 नहीं बनता, क्या रीजन है? सेम रीजन। सबको समझ में आ रहा है कि बेटा? यस सर। तो वो जो लाइन ही कर रहे थे बच्चों को बस यही मालूम होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है इसलिए बनता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती तो नहीं बनता, तो अभी आपको क्लियर सबको समझ में आ रहा है क्या? लिखेंगे पहले बेटा ये सारी बातें छोड़ दो, जितना मैं बोलूंगा उतना लिखना ना। अच्छा चलो इसको लिख सकते हो बेटा, पहले क्या लिखना पता है? एक काम करो पहले ना बेटा ये 3H2 3P4 लिख लो, 3H2 3P4 ये बन गया है क्या? नहीं, क्या बनाना है? पहले 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 देखो इतना नोट कर लिया ना बेटा, इतना नोट कर लिया। ऊपर वाला बस एक बार सल्फर का ये लिख लो, सल्फर का जो होता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3H2 3P4 यही होता है क्या? हाँ। और इसके बाद फिर ये बना लो 3S 3P 3D, ये बना लिया बेटा। बनाने के बाद बेटा इसको मतलब ये पहले नंबर में ये बना लेना, पहले नंबर में ये, सेकंड नंबर में ये बना लेना बेटा, बस ऐसी किसी को बता मतलब हमको वहां पे एक्सप्रेस नहीं करना है, हमको समझ में आना चाहिए तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, 1 2 3, और 3 में क्या क्या पाया जाता है? 3s 3p 3d, यस और नो? और इनका बेटा मैंने क्या बता दिया एनर्जी, इसकी 3s 3p 3d की, तो एनर्जी बताना बेटा ऐसा, बस अभी ऐसा
जितना बता रहा हूँ ऐसा कि बेटा 3s 3s 3p को थोड़ा पास पास रखना, 3s 3p को पास पास रखना और 3d को थोड़ा दूर रखना, रख लिया क्या? और यहाँ पर एनर्जी गैप जो है वो ज्यादा है, एनर्जी गैप जो है बेटा ज्यादा है, ठीक है ना? ठीक है ना, तो सुना और लिखना, तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा है बेटा, तो यहाँ पर सुनो, यहाँ पर लिखना, यहाँ पर बेटा इसके उधर, इसके उधर थोड़ा सा लिख लेना जो मैं लिख रहा हूँ, लिखेंगे क्या? Yes, sir. हाँ, इन SF6 लेना, किसी एक को पकड़ लो, चाहे SF4 को पकड़ लो या SF6 को पकड़ लो, लिखना उसके इधर बेटा, इसके इधर लिख लेना, इन SF6, इन SF6 फ्लोरीन कॉन्ट्रैक्ट, फ्लोरीन कॉन्ट्रैक्ट क्या, 3D ऑर्बिटल मोर, 3D ऑर्बिटल मोर, ठीक है ना? एंड मिक्स एस मिक्स sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिट। बेटा आपको पता है ना कि हाइब्रिडाइजेशन कब पॉसिबल है, जब लगभग सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स होंगे तभी उनके बीच में फिर क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगा, डिफरेंट एनर्जी होगी तो इंटरमिक्सिंग भी नहीं हो पाते, तो इसी यही वजह है, समझ में आ रहा है बेटा? एंड में sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड फॉर्म किया बेटा sf6, सबको समझ में आ रहा है क्या? तो अब डिफरेंट कलर का, अब डिफरेंट कलर का, ठीक है, पेन लेना बेटा, ठीक है ना, मार्कर मेरे पास तो मार्कर है, डिफरेंट कलर का पेन लेना और यहाँ पर, यहाँ जैसे गणना sf6 में जैसे फ्लोरीन आ रहा है, जैसे SF6 में बात करूं तो यहाँ पर जो ये ऑर्बिटल बेटा डिफरेंट कलर का लेना और ये ऐसा करना कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये एरो शो करना बेटा और ऐसे दिखाना कि यहाँ पर ये आ गया, ये 3D। अरे हाँ ना, बोलो। Yes, sir. सबको क्लियर समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ, तो SF6 में कॉन्ट्रेक्शन होता है लेकिन SH6 में कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता। तो कई बार ना बेटा ये भी ऑप्शन मिलता है ना कि नो कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है ना, एंड कॉन्ट्रेक्शन, तो कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, रीजन कि SF6 बनता है, ठीक ना, तो SF6 बनता है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, SH6 नहीं बनता मतलब यहाँ पर कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं है, तो कॉन्ट्रेक्शन वाले वर्ड्स भी, ठीक है ना, आपको कई बार ऑप्शन भी मिल जाते हैं, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. चलो तो लिखना इसका जो बुक्स में लिखा होता है बेटा, मैं वो लिखा देता हूँ, लिखेंगे लिखेंगे इसको और अपने वर्ड्स को भी इसमें मिलाकर लिखना। इट इज ड्यू टू, मतलब क्या, मतलब क्वेश्चन क्या बेटा कि SF6 एग्जिस्ट करता है बट SF6 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यही सी का रीजन लिख रहा है ना? अरे हाँ ना, बोलो। हाँ, और जो रीजन इसका होगा वही रीजन इसका भी होगा, PH5 एग्जिस्ट करता है बट PH5 नहीं, समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. It is due to the fact that fluorine can excite sulfur to sulfur 6+. Yeah, sir, एक बार repeat करें. लिखेंगे बेटा, it is due to the fact that fluorine excite sulfur to sulfur plus 6 oxidation state but hydrogen cannot, ठीक है ना? अब ऐसा क्यों होता है तो आगे लिख लेना, because fluorine is much more electronegative than kya beta hydrogen. सबको क्लियर समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर।
तो बस यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, मतलब अगर वन वर्ड में आंसर अगर मैं बोलूं बेटा कि SF6 एग्जिस्ट करता है बेटा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है ना भैया? यस यस यस। चलिए वही का फिर से एक बार वही कहानी एक बार फिर से देता हूँ ना। SF2 ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। SH4 SF ये करता है, ये नहीं करता। SX6 नहीं करता, SF6 करता है। और जो बात यहाँ पे, ठीक है ना, जो बात यहाँ पे वही SLS क्या यही बात किसमें बेटा? PH3 और PF3 दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, अरे ठीक है ना। बट PH5 एग्जिस्ट नहीं करता, PF5 एग्जिस्ट करता है। चलो बेटा एक क्वेश्चन बनाएंगे क्या? यस सर। ओके बेटा, आपको पता है, आपको एक बात और ध्यान में रखना, चलो पहले लिख लेते हैं फिर मैं बताऊंगा। PF, सुने, एक कंक्लूजन लिखा लेता हूं थोड़ा सा कंक्लूजन। PF5 सुनना बेटा, PF5 एग्जिस्ट करता है, SF6 भी एग्जिस्ट करता है, IF7 भी एग्जिस्ट करता है, ये सब के सब एग्जिस्ट करते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, याद रहना चाहिए। बट PH6 या SH6 या IH7 एग्जिस्ट नहीं करते। रीजन वही कहानी, ठीक है ना। क्या रीजन बेटा? नो कॉन्ट्रैक्शन। हाँ मतलब हाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन यहाँ पर मैं ये लिखूं समझना, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 3D ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अच्छा एक बार तो इसका रीजन ये हो गया। मैं पूछना चाहूंगा अब आपसे ना, बेटा PI5 जो है ना, PI5 सॉलिड एग्जिस्ट करता है, लेकिन बेटा लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करता। ध्यान रखना, PI5 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, करता भी है तो सॉलिड स्टेट में, कब? जब उसमें आयनिक बॉन्ड होगा Pi4+ एंड I-। समझ पा रहे क्या बेटा? बट ये PI5 एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब PI5 सॉलिड एग्जिस्ट करता है, लिक्विड नहीं। ध्यान रखना ना। अरे आना बोलो। Yes. हाँ तो ध्यान में रखना, सुनो। तो PI5 हो गया या SCl6 हो गया, ठीक है ना, या ICl7 हो गया, ये एग्जिस्ट नहीं करते। क्या रीजन? देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन। ये भी एग्जिस्ट नहीं करते, रीजन क्या? देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन। अरे सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कर सकते थे, अरे ऐसा नहीं है यहाँ पर, मतलब कर सकते थे मतलब बेटा, अब यहाँ पर ये करता ही नहीं है एग्जिस्ट। रीजन क्या? देयर इज लार्ज साइज ऑफ क्या? साइड एटम। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्या? साइड एटम, देयर इज स्टीरियो ऑब्स्ट्रक्शन या स्टेरिक हिंड्रेंस। अरे समझ पा रहे हो बेटा? देयर इज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हर किसी का रीजन आप लोग को ना बेटा, कॉमन जो बातें ना उसका रीजन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। क्लियर है? आगे बढ़ते, चलो बेटा लेट नहीं करते, काफी कुछ आगे बढ़ना है। आगे बढ़े बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, अब मैं आप लोग को ना कुछ ऑक्सी एसिड है, जैसे सल्फर है या फॉस्फोरस है बेटा, ठीक है ना, इनमें हीटिंग इफेक्ट बताऊंगा, जो हम लोग NCERT में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इनके बारे में हम लोग यही चर्चा करते हैं।
ठीक है लिखना बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, हरी डालेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, हरी डालेंगे, हीटिंग हीटिंग इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ क्या बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें आप लोगों को स्ट्रक्चर भी मैं समझाऊंगा एक्चुअल में, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड सुनेंगे। सबसे पहले ये तो हेडिंग हो गया बेटा, सबसे पहले जब भी आपको ना दो मॉलिक्यूल एसिड दे ठीक है ना, और उसको गर्म कर दे, उसको क्या कर दे बेटा, हीट दे दे, हीट, ठीक है ना, तो क्या निकलेगा बेटा, वाटर निकलेगा। और जब जब दो एसिड लेते हैं, जब ध्यान रखना, दो जब दो एसिड लेते हैं, ठीक, दो मॉलिक्यूल एसिड लेते हैं और गर्म करते हैं, जब वाटर निकलता है ना, तो जो एसिड जो बनता है उसका नाम जो होता है वो होता है, उसमें प्रीफिक्स लग जाता है पाइरो, पाइरो एसिड, समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ ना बोलो, तो जो भी एसिड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे पाइरो एसिड। सुनेंगे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड को बेटा दो मोल ले लो, H2SO4, दो मोल ले लिया जाए, ठीक है ना, अरे ले लिया जाए, चलो बेटा एक बार बताओ कि जब मैं दो मोल लूंगा बेटा सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो क्या? अरे यही है, सल्फेट बना देते हो, फिर ऐसे जोड़ देना जहां पे माइनस, अरे हाँ ना बोलो, हाँ, तो ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड दिख रहा है क्या? एक और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने वाला हूँ ना मैं, दो मोल, ठीक है बेटा, दिख रहा है अभी? दिख रहा है बेटा, हीटिंग दे देता हूँ, ये हीटिंग, ठीक है ना, जैसे मैं हीटिंग दूंगा ये प्लस है बीच में प्लस, ठीक है ना, तो बेटा यहाँ से वाटर निकल जाएगा, निकाल दो, एक का H दूसरे का OH, अरे हाँ ना बोलो भाई, निकल गया, अरे हाँ ना बोलो, हाँ सर निकल गया, ठीक है ना, ये हो गया माइनस H2, बना दो, जो बचा वो बना दो, तो जो बचा है वो क्या है बेटा, पहले फॉर्मूला लिखते, पहले फॉर्मूला, कितने हाइड्रोजन बचे बेटा, कितने हाइड्रोजन बचे, एक और एक दो, H2, सल्फर कितने बचे, एक और एक दो, H2, कितने ऑप्शन बचे बेटा, एक दो तीन चार पांच छह सात, H2H2O7, तो इसका नाम है, प्रीफिक्स लग जाएगा पाइरो, कौन सा एसिड था, सल्फ्यूरिक, ये है पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर, ठीक है ना बेटा, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लो, स्ट्रक्चर क्या होगा, बस यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन सल्फर लिंकेज होगा, SOS लिंकेज होगा, बाकी जैसा का जो इधर दिख रहा है वैसा, अरे हाँ ना बोलो भाई, यस सर, कितना आसान है, बिल्कुल सर, है ना, तो ये है पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बेटा, अरे हाँ ना बोलो यार, यस सर, हाँ चलो मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, ऊपर मिटा दो ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, हमको बहुत आगे जाना है, ठीक है, हाँ, H2, अगर आप H2O7 का स्ट्रक्चर बना सकते हो, तो क्या आप H2O8 का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते? बना सकते ऐसे बनाओगे, ऑक्सी लिंकेज सर, और इसका नाम है पर ऑक्सी, अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसको हम क्या नाम, ये तो पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन इसका नाम हो जाएगा पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा क्या बेटा, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और इसी को एक नाम और से जाना जाता है, मार्शल एसिड, क्योंकि इस एसिड को, ठीक है ना बेटा, इन्वेंट किया था यूज मार्शल ने, ठीक है ना, एक भाई साहब थे जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था, तो इन्होंने अपना ही नाम दे दिया उस टाइम, तो ऐसे थे, ठीक है ना, तो जो कुछ भी डिस्कवर करता था उसको अपना नाम दे देता था, तो यहाँ पर इन्होंने, इस भाई साहब ने इनको डिस्कवर किया था, इन्होंने इसको अपना नाम दे दिया,
मार्शल एसिड, इसको मार्शल एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ये पर ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड है। क्लियर है बच्चों? अरे हाना बोलो यार। बनाना चाहो तो यहाँ पे साइड में छोटे बना लेना ना, यहाँ पर एस ओ ओ एस, यहाँ पर ऑक्सीजन लीकेज प्रेजेंट होता। अगर अब मेरी बात सुनना, अब अगर मेरी बात सुनना, अगर मैं आपको ऐसे दिया सुनना ना, अगर मैं आपको देता हूं अभी ये क्या था बेटा, H2H2O7 था ना। अरे हाँ ना बोलो। मैं O7 नहीं, मैं O6 कर देता हूं तो क्या होगा? कब और इसका नाम है, ठीक है ना बेटा, ये दो सल्फर है ना, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। नहीं नहीं, इसका नाम है डाइथायोनिक एसिड, इसको बोलते हैं डाइथायोनिक, थायोनिक जो बताया गया बेटा, डाइथायोनिक एसिड, ठीक है ना, थायो थायोनिक एसिड बेटा। अगर ना इसमें तीन सल्फर है, जैसे मैं ऐसे ले लेता हूँ H2S3O6, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? ये ट्राइथायोनिक एसिड है। ये क्या है? ट्राइथायोनिक एसिड बेटा। एक एक बार देखते रहना ना, इतना नहीं पूछता है, प्लीज बता दू, पी ब्लॉक में है, पढ़ रहे हैं, नहीं पूछता इतना आप लोग, मैं आप बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है ना पूरा, ठीक है। ये ट्राइथायोनिक एसिड मतलब बेटा, जैसे जैसे सल्फर बढ़ते जाएगा ना, इस सल्फर को इन दोनों सल्फर के बीच में लगाते जाना, समझ में आ रहे हो क्या? तीन है, ठीक है, तो ये तीन हो गया, चार है तो बेटा चार लगा देना, मतलब मैं यहाँ पर एन लिख देता हूँ, जितने होंगे उतने नंबर आप लगा देना। अरे आना बोलो। इसके लिए मैं बोल दूंगा पॉलीथायोनिक एसिड। इसके लिए मैं क्या बोल दूंगा बेटा? अरे आना बोलो, पॉलीथायोनिक एसिड। नंबर ऑफ सल्फर देख लेना उस हिसाब से, नंबर यहाँ पर तीन है, एक चार एक पांच, तो पेंटाथायोनिक एसिड, समझ में आ रहा है? टोटल सल्फर देख लेना, वो लगा देना आगे, तो थायोनिक एसिड हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ पे एन इक्वल टू वन था, तो एक दो तीन, तीन तो ट्राई था होने कैसे ये, ठीक है बच्चों? जी सर। तो इस तरीके से yes. चलो अब मैं कुछ अदर और भी ऑक्सी एसिड के बारे में बात करता हूँ, ठीक है ना, सल्फर के। इतना मिटाऊं क्या? जी सर। नो सर। हाँ नोट करो पहले, हो गया क्या बेटा? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया क्या? कुछ और अदर हम लोग देखते हैं बेटा ऑक्सी एसिड सल्फर के। सुनो बेटा, आपको याद आ रहा है क्या मैंने अस और इक के बारे में बताया था? यस सर। अस कब लगाते हैं और इक कब लगाते हैं? जब कम हो, जब अधिक हो लोअर ऑक्सी, जब अधिक हो तो ज्यादा, कम हो तो अस, है ना, ठीक है। तो बेटा आपको, अब आपको याद होगा सुनना अभी, है ना बेटा, जब सल्फर का ऑक्सीडेशन प्लस फोर होता है ना, ठीक है ना, जैसे कि ये मिटा दो ना बेटा, हाँ, तो यहाँ पर ना बेटा अस ऐसे, इसको ऐसे मैं बोलूं ओ यू एस लिखता हूँ ना बेटा, ओ यू एस, ठीक है, चलेगा क्या? नहीं, ओ यू एस नहीं, ओ यू एस लिखना, अस यू एस, अस एसिड, जैसे अस एसिड, जैसे बेटा सल्फ्यूरस जानते हैं क्या? हाँ। सल्फ्यूरस बेटा ओ यू एस नहीं आता ना, सल्फ्यूरस ही आता है ना, ओ यू एस भी आता है, ओ यू एस ओ यू एस, ठीक है, अस ही लिखना जाता है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है बेटा? हाँ सर। तो सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है? H2SO3। क्या? H2SO3। शाबाश, अगर सल्फर प्लस फोर में, लेकिन अगर मैं आपको सल्फ्यूरिक की मैं बात करूं, H2SO4, ये क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर क्या होता है? प्लस सिक्स में क्या बोला गया? मैं आपको याद करा रहा हूं ना, किसका नाम कैसे हो सकता है, समझ पा रहे हो बेटा? यहाँ पर सल्फर प्लस फोर में है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर क्या है बेटा? प्लस सिक्स में। सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बेटा, अगर मैं बेटा H2SO4 का स्ट्रक्चर जानते हो ना आप लोग?
तो H2SO3 का स्ट्रक्चर जानते हो क्या? बनाते H2SO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा? नहीं, एक जगह OH की जगह H लगा देना, बस कहानी खत्म। हाँ। ठीक है, सुने मेरी बात। H2SO3 में क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, सही बात। मन आ रहा है? दी, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है बेटा? हाँ हाँ सर, अब दिख रहा है ना। सुने बेटा, अब सुनना। अब अगर मैं इस ऑक्सीजन गैस सल्फर लगा दूं तो अब क्या बन जाएगा? एक ऑक्सीजन, ये वो बन जाएगा ना बेटा। अब मैं इसको एस लगा दूं तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा? H2SO3। तो ये है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। समझ पा रही क्या बेटा? ये क्या है? थायो मतलब सल्फर, सल्फर हो गया बेटा। इसको थायो यूज करते हैं, थायो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3। आपको याद आ रहा होगा मैंने आप लोगों का क्वेश्चन पूछा था, अगर मैं H2 घटा दूं तो क्या हो जाएगा बेटा? थायोसल्फेट। थायोसल्फेट इज आइसोस्ट्रक्चरली सल्फेट, मैंने पूछा था ना? जी सर, पूछा था, याद आ रहा है ना? हाँ, ये वही कारण है। ठीक है, तो ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड, एस प्लस फायर जब करते बेटा तो वो एट हो जाता है ना, तो थायोसल्फ्यूरिक से थायोसल्फेट। ऐसा बेटा थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप लोग अब समझ गए क्या? समझ गए सर। जी सर, पक्का? जी सर, पक्का। बेटा अगर मैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड में दोनों सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट पूछूं तो क्या बताओगे? अलग अलग होगा ना? देखो यहाँ पर ये इसके लिए ना सल्फर भी है, ये ऑक्सीजन -1, तो इसके पहले इसके निकालते हैं ना, यहाँ पर -1 तो ये +1, इधर से एक +1 मिल गया क्या? इधर की सल्फर -1 -1 -2 और इसके लिए बेटा आपस में 0। बेटा ये जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या है? 0। इसका क्या है बेटा? -4, तो सल्फर हो जाएगा प्लस, तो इसका +4। इसका मतलब थायोसल्फ्यूरिक एसिड में दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं हमको, एक 0 मिलता है और एक +4 मिलता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है बेटा? यस सर। ये सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है बेटा, ये -2 तो इसकी ये +2, ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, ये -1 ये +1, अगेन इसके लिए ये -1 तो +1, टोटल कितना हो गया? +2 +1 +1 +4, और सल्फर अपने के साथ ही बना रहा है बेटा, ये सल्फर इसी के साथ बना रहा है, तो ये हो जाएगा 0। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो, तो ये हो गया। अच्छा मुझे बता, ये तो हो गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड बेटा, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड क्या होना चाहिए बेटा? एक बार फिर से बता रहा हूँ ना, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, इतना नहीं पूछता है पर क्योंकि यार दिया हुआ है एनसीईआरटी में तो मेरा है, बता देता हूँ। अरे हाना बोलो सर, ये जो और आपको एक बात बताऊं, 12th के पार्ट से ना फास्फोरस वाला टॉपिक ना हटा दिया गया था, 12th पार्ट से फास्फोरस वाला टॉपिक हटा दिया गया था, तो थोड़ा लेकिन नीट में तो नहीं हटाया है, 12th के पार्ट से नीट में नहीं हटाया। हां नीट में नहीं हटाया, वो 11th में ऐड हो गया सर, 12th से हटकर। हां चलो, पढ़ तो वैसे भी रहे हम लोग पर 12th के पार्ट से हटा दिया गया था, ये मैं आपके दिमाग में थोड़ा सा डाल भी दूं, कम से कम ध्यान तो रहे आपको। नहीं वो तो शिफ्ट हुआ था बेटा, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। मैं अभी अभी कोरोना की वजह से नाइट्रोजन वाला भी सर शिफ्ट हुआ था, हटा नहीं है। अच्छा चलो, अच्छी बात है, हमको तो पढ़ना है बेटा पूरा। डिलीटेड पोर्शन की बात बोल रहे हैं, जो डिलीट हुआ ना, डिलीट हुआ था उसकी बात कर रहे थे। हाँ डिलीट हुआ उसकी मैं बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, उसका बॉडी नहीं हुआ। हाँ सुनो इधर,
वो तो पैटर्न चेंज हुआ था थोड़ा सा, वो अलग चीजें हैं जो आप बता रहे हो ना, वो थोड़ा अलग चीजें हैं। मैं अभी कोरोना की वजह से जो कुछ कुछ 12th में 11 पॉइंट से जो हटा दिया गया था, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। चलो अगेन छोड़ो यार, हम तो पढ़ रहे हैं ना, क्या दिक्कत है। सुनो बेटा, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, कौन बताएगा? सर वो जो सर कुछ नहीं, OH के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा। हाँ, और इसको कैरोज एसिड के नाम से भी जाना जाता है, कैरोज एसिड के नाम से भी। बेटा इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है पता है, जरूर जबरदस्ती, कैरोज एसिड कौन है इनमें से? तो H2SO5 कहानी, ठीक है ना। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज। यस, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बेटा, ये होता है ना, और यही तो सल्फ्यूरिक एसिड है ना। हाँ, हाँ, है ना सर। सल्फ्यूरिक एसिड है ना बेटा, एक सल्फ्यूरिक, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और लगा देना, ये हो जाएगा पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड या पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है ना जी सर? हाँ, अच्छा बेटा मैं आपको ऐसा बोलूं, सुनना तो ठीक है, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है बेटा। और ना एक होता है सल्फर, जब प्लस थ्री में होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, एक होता है प्लस थ्री और एक होता है प्लस फाइव। तो प्लस थ्री में होता है ना, तब यहां पर थायोनस लगाते हैं, क्या? थायोनस। और प्लस फाइव में होता है जिसको बोलते हैं थायोनिक, थायोनिक, ठीक है ना। जैसे बेटा प्लस थ्री में कब होगा, जब ये ऐसा हो गया OH, ये प्लस थ्री में है बेटा, यहां पर देख पा रहे हैं क्या, माइनस टू ये माइनस वन, तो ये प्लस वन, अरे मतलब प्लस वन यहाँ पे, प्लस टू प्लस थ्री हो गया सल्फर यहाँ पर, अरे हाँ ना बोलो। हाँ, और प्लस फाइव कैसे होगा बेटा, अब आपको थायो दिख रहा है तो दो सल्फर तो होंगे बेटा ना, अब कैसे होंगे बताऊंगा अभी। प्लस फाइव कैसे बेटा, माइनस टू माइनस टू माइनस वन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस फाइव, ये सुन लो। हाँ सर, ठीक है। तो इसके लिए थायोनस, इसके लिए थायोनिक। तो अब मैं पूछना चाहूंगा, अब सीधा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एग्जांपल मुझे बताएंगे, मैं नाम लिख रहा हूँ, डाई थायोनस एसिड किसको बोलेंगे, दो सल्फर थायोनस एसिड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यही एक सल्फर, सबको समझ में आ रहा है क्या? अरे थायोनस, डाई थायोनस तो एक और ले लूंगा ना बेटा, डाई थायोनस एसिड हो गया ये। सर ये तो बेस की तरह दिख रहा है सर, ये लोन पे डोनेट कर देगा। हाँ है एसिड, लेकिन सर बेस की तरह। हाँ, दिख रहा नहीं, है नहीं नहीं, H प्लस दो ही लेना बेटा, वाटर में जो H प्लस देता है, सीधी सी बात है, जो H प्लस देगा OH रखते हुए भी H प्लस नहीं देते, बल्कि वो OH माइनस एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना, जैसे BOH थ्राइस, आगे बताऊंगा मैं, ठीक है ना, आपको लगेगा कि यार सर बी ओ एच है, ऐसा ऐसा ऐसा, सर ये भी H+ देता होगा, लेकिन H+ नहीं देता, ठीक है ना, ये OH- एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, तो लेकिन ये जो H+ देगा बेटा वो एसिड है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल बेटा ये डाइथायोनस एसिड समझ में आ रहा है क्या, मैं आप लोग को सिंपल तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप याद कर सकते, अरे ठीक है ना, ये अगर थायोनस है तो डाइथायोनस एसिड याद रहेगा बेटा। सबको क्लियर बेटा? अब एक्चुअली में ना ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ ना, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, इसीलिए आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। ऐसा बेटा जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताएंगे क्या? SS लिंकेज, SS लिंकेज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द कंपाउंड, थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा ना, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दो बेटा,
एच टू ओ सिक्स माइनस टू, सेकेंड ऑप्शन है एच टू ओ फोर माइनस टू, और थर्ड ऑप्शन है एस एच टू सॉरी नहीं एच टू ओ फाइव, ठीक है ना बेटा, माइनस टू। चलो बताओ जल्दी से। सर वन एंड टू में तो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड। बेटा एक बात मुझे बताओ, सबको क्या करो, सबको क्या करो, एच टू देते जाओ एक मिनट के लिए, इसको आपको समझ में आ गया होगा। एच टू दे दो, एच टू दे दो, एच टू ऊपर अभी बताया बेटा डाइट है ना, सही तो है सर। अरे यही तो है डाइट है ना। बेटा एक देखो, एक बार में नहीं आएगा ना, एक बार में ध्यान नहीं रहेगा, एक बार में याद नहीं रहेगा, एक बार दो बार देखे रहो याद रहेगा। एच टू ओ फोर जो है बेटा वो क्या है, स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करने से क्या बन सकता है, तो माइनस टू है तो माइनस टू तो आपको बनाना पड़ेगा ना भाई, अरे है ना बोलो। यस सर। तो बेटा क्या एसएस लिंकेज है क्या इसमें? सर ऑल होगा। हाँ शाबाश, फोर्थ ऑप्शन है ऑल, आंसर है ऑल। बेटा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे ये तो दिख रहा है ना। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा तो ये आंसर, तो पहले ऑल कैसे जाएगा देखते हैं, सेकंड आंसर दिख गया? अरे हाँ ना तो बोल दो बेटा। अच्छा अच्छा मुझे बताओ H2O6 है बेटा, आपको याद आ रहा है कि H2O6 कैसे याद आएगा बेटा? बेटा माइनस टू बताओ, दो हाइड्रोजन दे दिया बेटा आपको, H2O7 याद है क्या? हाँ सर याद है। याद है क्या था SOS के साइड में? SOS है ना, याद है ना? हाँ सर याद है। ठीक है तो बेटा अब मुझे बताओ, जब SOS लिंकेज याद है मैं ऑप्शन हटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? SS लिंकेज। SS लिंकेज H2S2O6 बन जाएगा? बन जाएगा सर। बस तो क्या इसमें, इसमें भी क्या SS लिंकेज है क्या? है सर। है पक्का है? अच्छा मुझे बताओ H2S2O5 का स्ट्रक्चर क्या होगा? सर ये जो आप बनाए है ना H2S2O7, ये जो बनाए ना, हाँ सर उसमें एक OH हटाकर H लगा दीजिए, बन गया। क्या इसको मिटा दूं बेटा? हाँ सर। सर वो राइट वाले जो बनाए ना उसका OH हटाकर एक O हटा दीजिए सर, हो गया। सर इसमें परोक्सी भी डायग्राम बनाया क्या? चलो मैं बता रहा हूँ सर। हाँ बेटा परोक्सी भी रहेगा क्या? परोक्सी क्या है, किसमें परोक्सी? ये थर्ड वाले में परोक्सी भी है, रहेगा क्या ऐसे? इसमें नहीं परोक्सी नहीं रहेगा। अब मेरी बात सुनो, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ना बेटा, आपको ऑप्शन नंबर फोर दिया हुआ है ऑल, अगर नंबर वन मिल गया, सबको चेक करो एक बार, जिसको नहीं पता थोड़ा सा रुक जाओ, जैसे आपको ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया रुक जाओ, ये समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया, कम से कम दो तो मिल गए ना? मिल गया, मिल गए ना बेटा। क्या दो मिल गए तो क्या चुपचाप, ठीक है ना, ऑल आंसर लगाओगे कि जबरदस्ती तीसरे को भी ढूंढते ढूंढने के लिए समय लगाओगे? नहीं हम तो ऑल लगाएंगे। हाँ ये हाँ मतलब इतना तो हमको करना है ना वहां पर एग्जाम हॉल में कि नहीं ये देखिस लूंगा तभी लगाऊंगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। स्मार्ट काम, हाँ स्मार्ट काम सबसे पहले ये कि दो भी मिल गया तो आंसर क्या जाएगा? होगा ही ऑल। अब देखते हैं बेटा, हाँ अब देखते हैं एस टू H2O5 minus 2 क्या होता है, तो ये होता है बेटा ध्यान रखना, ये होता है पाइरोसल्फ्यूरस एसिड होता है, ये क्या होता है, इसका नाम है पाइरोसल्फ्यूरस एसिड। अब देखो कैसे, देखना मेरी बात सुनना, ये होता है एस, इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा ये, एच टू एच टू ओ फाइव, हाँ समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इसका इसका नाम है पाइरोसल्फ्यूरस, ठीक है बेटा? जी सर। सर अगर चाहते तो बीच में ओ भी तो लगा सकते थे। नहीं तो उसका स्ट्रक्चर ये नहीं होता ना, ध्यान में रखना इसका अलग से ध्यान में रखना, इसको पाइरो बोला जाता है ठीक है ना, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है बेटा?
इसको अलग से, इसको अलग से ध्यान में रखना। और यहाँ पर बेटा मैं दोनों सल्फर के ऑक्सीजन स्टेट बोलूँ तो आप क्या बताओ, जल्दी बताओ तो। इसका कितना, इसका कितना है? प्लस थ्री है, प्लस टू पास। और इसका कितना है बेटा? प्लस फाइव। प्लस फाइव, वेरी गुड। पर सबको तो आ रहा है ना सल्फर, इसका प्लस थ्री क्यों? इसके लिए बेटा आपस में जीरो, इसके लिए आपस में जीरो। बेटा ऑप्शन डबल बॉन्ड से ये माइनस टू, ये माइनस वन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? प्लस थ्री, प्लस थ्री। और यहाँ पर बेटा माइनस टू, माइनस टू, माइनस वन, सबको क्लियर है ना? तो बेटा एक मैं आप लोग को अब सुनना, तो इतनी तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं किसमें, सुने एक बार, किसमें एस ओ एस लिंकेज प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने दिया एस एस लिंकेज प्रेजेंट है, वैसी एस ओ एस तो ध्यान में रखना। जैसे ये सर एक चीज पूछना था ना, ये जो आप स्ट्रक्चर बनाया है सर, वो जो ओ एच जोड़े हैं सर, उसको एक काम ऐसे नहीं कर सकते कि डबल बॉन्ड से ओ जोड़ दिए और एक जगह सिर्फ एच जोड़े हैं सर, ऐसे भी तो हो सकता था ना? हाँ तो बेटा आप जो बोल रहे हो ना, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ ना सर, उसमें ना ऐसा लिंकेज है, बस स्ट्रक्चर मेरा आपसे अलग होगा। हाँ तो बेटा वो नहीं होता ना, ठीक है वो नहीं होता, ठीक है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा जी सर। हाँ चलो, तो नेक्स्ट बेटा अब की पॉइंट देखो, कुछ मैं ऐसा नहीं है ना भाई कि मैं आप लोगों को ऐसा मंत्र दे दूं सब याद हो जाए, बेटा आपको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं इतना है कि आसान कर सकता हूँ, आसान कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सारी चीजों को एक साथ लिखते जा रहा हूँ, तो बेटा आप दो बार तीन बार देखोगे ना आपको याद हो जाएगा। देखो अभी तक मैं आपको प्रॉब्लम इसी में क्या हुआ यार, ये थोड़ा सा भूल सकते हैं, बाकी अगर आप लोग ढंग से पढ़ोगे तो नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं सबको एक दूसरे से लिंक करके ही बताते जा रहा हूँ कि बेटा इसका स्ट्रक्चर ये है, तो इसका ये कर दोगे तो ये बन जाएगा, ये कर दोगे तो ये बन जाएगा। अरे हाँ ना बोलो जी सर। हाँ, तो बेटा मैं बहुत आपको कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से या आसानी से याद करा सकूं, लेकिन किसी चीज को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी ऐसा कुछ ज्यादा ध्यान नहीं है बेटा, अब बस ध्यान में पायरो में एक प्लस थ्री और प्लस फाइव में होता है दोनों को, बेटा इसको आप लोग अलग से जानते हो, प्लस फाइव वाला ये, प्लस थ्री वाला ये अलग से जानते हो, दोनों को जोड़ देना तो ये हो जाएगा। अरे ऐसे थोड़ा बताया जाएगा, ये थायोनस, ये थायोनस है, ये थायोनिक है, चलो अच्छा नेक्स्ट बेटा। अच्छा एक एक मैं आप लोगों को की पॉइंट अपने साइड से लिखा देता हूँ, लिखा दूंगा। हाँ बिल्कुल सर, है ना बेटा, आपको जैसे क्वेश्चन आता है कि एस एस लिंकेज प्रेजेंट है या किसमें एस ओ एस है, तो उन्हीं के लिए की पॉइंट लगा दूं तो मेरे ख्याल से आपको मजा आ जाएगा, रटने वालों को भी मजा आ जाएगा, ठीक है ना बेटा? अरे आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। जैसे बेटा ना आपको ना, सुने मेरी बात, ये दिया बेटा एच टू एच टू ओ थ्री, जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना, एच टू एच टू ओ फोर, एच टू एच टू ओ फाइव, एच टू एच टू ओ सिक्स, एच टू एच टू ओ सेवन, एच टू एच टू ओ है। अरे लिख लिया क्या? हाँ अब मेरी बात सुने, कितना, एक दो तीन चार और पांच छह, ठीक है बेटा सुने मेरी बात, ये एच टू एच टू ओ सिक्स है ना, O6 है ना, है ना, इसे आगे जैसे ही आपको मिलेगा ना H2 O7 या O8, तो बेटा आपको पाइरो यहीं पे सबसे पहले मिला था, हाँ मिला था, सल्फ्यूरिक एसिड का डबल हमें मिला था, हाँ तो इन, तो बेटा O7 के आगे जो भी है ना, ठीक है ना बेटा, यहाँ पर जैसे ये O7 हाँ। तो इसमें आपको SOS लिंकेज मिल जाएगा, इसमें क्या बेटा आपको SOS लिंकेज मिलेगा। अरे हाँ ना बोलो। और इसके और आगे जाओगे ना, नीचे वाला मार्शल एसिड, कौन सा मार्शल एसिड, हाँ ये नीचे, ठीक है ना, और इसके आगे नीचे और जाओगे ना बेटा, तब यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ऑक्सो लिंकेज मिलेगा, यहाँ पर SOS लिंकेज मिला, और आपसे पूछा कई बार क्वेश्चन पूछता है पर ऑक्सो लिंकेज तो किसमें, तो इसके आगे आपको यहाँ पर ऑक्सो लिंकेज मिल जाएगा, देखो अरे हाँ ना बोलो, हाँ सर, अरे ये भी तो क्वेश्चन बन जाएगा ना,
और इसके पहले जितने हैं ना इन सब में एस एस लीकेज है ना आसान। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा और एक बात और बताऊं, O3 और O5, H2S2O3 और H2S2O5 ठीक है ना, इसमें आपको मिलेंगे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, मतलब दो डिफरेंट टाइप के, टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर यहां पर मिलेंगे, एक तो H2S2O3 में मिलेंगे। अभी 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 पूछा ना बेटा मैं आपसे कुछ सवाल, ये थायोसल्फेट वाला थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, जीरो और प्लस फोर था ना शायद। हाँ जीरो और प्लस फोर, जबकि इसमें प्लस थ्री और प्लस प्लस फाइव। समझ पा रहे हैं क्या बेटा? तो ये एस एस लिंकेज वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है सर। हाँ ठीक है बेटा चलिए अब देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। बेटा आप लोगों ने जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा ना तब बहुत मजा आएगा, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से कर लो, ये एकदम कॉमन है बेटा। और पूछा जो, अच्छा मैं ये भी बता दूं ना, जो मैं अभी ऑन बोर्ड पढ़ा रहा हूँ ना मैक्सिमम क्वेश्चन यही से ही बनेंगे आपको, ये भी ध्यान रखना, मतलब पी ब्लॉक से जो क्वेश्चन है ना वो यही से ही पूछे जाएंगे मेनली, मतलब पूरे अगर 100% अगर मैं बात करूं तो 70-80% क्वेश्चन आपको यही से ही मिलेंगे, बाकी मैं जो उसके बाद जो एनसेट पढ़ाऊंगा बेटा तो वहां से 30% ही क्वेश्चन, 30-20% क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वही उसी के चांसेस ज्यादा है, इसलिए मैं पहले आप लोगों को कॉमन चीजें बताते जा रहा हूँ। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो हीटिंग इफेक्ट बेटा मैक्सिमम दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आते हैं, ठीक है ना, दो या तीन क्वेश्चन आते हैं तो वो एकदम ना पी ब्लॉक में बेटा जेन्यून चीजों से ही आते हैं, एकदम जेन्यून, मतलब जबरदस्ती का एक्स्ट्रा है ही, तो आप लोग जबरदस्ती में अपना दिमाग मत खराब करना यार। दो क्वेश्चन मैक्स बहुत ज्यादा होते तभी तीन क्वेश्चन, और पहले तो इसकी ना जो वेटेज थी और भी कम थी, ले देखे कभी पूछ दिया तो पूछ दिया पी ब्लॉक से, पहले पूछता भी नहीं था, ठीक है ना। और जब से एनसीईआरटी को देना स्टार्ट किया ना कि चलो यार बच्चों से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन का नंबर बढ़ा देते हैं, तो ये फिर पहले एक आध क्वेश्चन धीरे धीरे आने, एक आध क्वेश्चन आ जाता था तो एक क्वेश्चन को दो क्वेश्चन में कन्वर्ट किए, और कभी कभी तीन क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, तो बेटा आप ध्यान में रखना जो एकदम जहां से आना चाहिए ना बेटा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है ना क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं, तो जबरदस्ती इधर उधर नहीं फेंकता, उसको भी पता है कि भैया ये पी ब्लॉक तो वैसे कोई एग्जामिनर ही नहीं जानता, आप एग्जामिनर से भी जो क्वेश्चन आपके लिए बनाता है ना आप उनसे पूछ सकते, चलिए आपको मैं पूछता हूँ पी ब्लॉक को बताओ, तो वो खुद ही नहीं जानेगा, क्योंकि बेटा ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना पी ब्लॉक में, इसमें रटने का ज्यादा होता है, तो कोई बंदा ढंग से जाने नहीं पाता अच्छे से, वो तभी बता पाएगा जब अच्छा चलो मैं एक बार बुक देख लेता हूँ फिर बताता हूँ, लाइक ऐसा। समझ पा रहे हो क्या? हाँ मेरी आवाज तो क्लियर आ रही ना बेटा सबको? हाँ तो प्लीज पी ब्लॉक में जबरदस्ती का एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, मैं बार बार आप सबसे ठीक है रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना, टाइम खराब नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे, हाँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड में हीटिंग इफेक्ट देखते बेटा, अगेन वही कहानी, दो एसिड अगर लेंगे और मैं बेटा दो एसिड लेके मैं बेटा उसमें हीटिंग इफेक्ट शो करता हूँ, मतलब गर्म करता हूँ वाटर निकलेगा तो क्या नाम आएगा उसका प्रीफिक्स नेम? पाइरोक्सी एसिड। पाइरो यार। अच्छा पाइरो। तो अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड लूंगा ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है बेटा फॉस्फोरिक एसिड, इसको गर्म कर दो, अरे कर दो बेड़ा पार। बेटा क्या होता है फॉस्फोरिक एसिड में? यही तो है? नहीं सर ये नहीं है। वाह ये नहीं है सर, एक और हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ गया? OH। अच्छा अच्छा, अरे हाँ हाँ, I'm sorry मुझे गलती से, हाँ सर अब ये है। थैंक यू बेटा, अभी है ना सल्फर की धोखा हो गया था। हाँ ठीक है बेटा, ये है फॉस्फोरिक एसिड। हाँ सर। हाँ
निकाल दूं? निकल बाहर। चलो फिर क्या मिला, फिर फॉर्मूला बनाएंगे, कितने हाइड्रोजन, एक दो तीन चार एच फोर, कितने फॉस्फोरस, दो फॉस्फोरस एच फोर पी टू, कितने ऑक्सीजन, एक दो तीन चार O6, O7, H4P2O7, right? Clear है बेटा? तो इसका नाम क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? Pyro. Phosphorus. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है बेटा? Yes sir. अच्छा, तो पाइरो फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर मेरे पास लाइसेंस है, मैं यही तो बनाऊंगा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर जी, पर आपकी मर्जी नहीं चलेगी ना, आप लोग अलग से बनाओगे, लाइसेंस मेरे पास है, आपके पास नहीं। अरे बेटा मैंने क्या किया, ये OH है ना, वाटर निकालूंगा तो एक ऑक्सीजन बचेगा बीच में। हाँ सर बचेगा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। तो मेरी हाँ सर, तो बेटा एक ऑक्सीजन बचेगा तो मैं सीधा ऐसे कर दू, यहाँ से यहाँ। बेटा सारे बच्चे बोलो यार, सारे बच्चे प्लीज अटेंटिव रहो, तभी मैं पढ़ा पाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा क्लास। नहीं सर। हाँ बेटा क्या देखो, क्या यही स्ट्रक्चर बनेगा बेटा? यही है ना पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। हाँ तो यही है पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है बेटा? हाँ, हाँ, मेरा प्रॉब्लम है ना, जब तक आप लोग आंसर देते रहोगे ना, ये मार्कर चलती रहेगी, जहाँ आंसर देना पानी मार्कर रुक जाएगी, ठीक है? तो सुनो, तो मुझे एक बात बताओ, क्या H2P2O7 में POP लिंकेज प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल। हाँ, OP is very important, पूछा जाता है। H4P2O7 H4P2O7 में POP हमें आएगा, देखना बेटा कई बार आता है OP। OP is very important, तो POP linkage present या absent? Present. POP linkage यहाँ पर मिलता है, पर अगर O7 को मैं कम कर दूँ ना H4P2O6 तो क्या अभी भी पीओपी लिंकेज? नहीं, अब पीपी लिंकेज। अरे क्लियर है क्या, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पीपी लिंकेज किस में मिलता है ना, पीओपी लिंकेज किस में मिलता है, तो ध्यान रहेगा बेटा। हाँ सर बिल्कुल सर, पक्का? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब मेरी बात सुनेंगे, अब मेरी बात सुनेंगे, ठीक है? चलो मैं इसको मिटा दूं क्या, नोट कर लिया इसको? हाँ मिटा दीजिए। चलो बेटा, अब जैसे अभी तक मैंने जब मैं दो मोल एसिड दिया था, ठीक है, तो बनने वाला एसिड क्या था, पाइरो एसिड। अगर मैं वन मोल एसिड दिया H3PO4 और इसको गर्म किया, ठीक है बेटा, मतलब ऐसे लिखता हूँ, वन एसिड और इसको गर्म किया, सिर्फ एक मोल, स्ट्रिक्टली एक मोल ले लिया बेटा, और उसको गर्म किया और पानी निकाल, मतलब वाटर निकल गया बेटा, ठीक है ना, तो यहाँ पर बनने वाला जो एसिड होता है ना, उसको उसमें लगता है नेम प्रीफिक्स मेटा, ये होता है बेटा एसिड। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा क्यों सर, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना, बेटा ऐसा याद बनेगा, ऐसा याद बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए है कि मेटा, जैसे बेटा किसी के लिए मेटा है ना, तो आपको मैं बता दूं कि अगर वन एसिड वहां से वाटर निकालोगे ना हीट करके, तो उसका नाम है मेटा एसिड, ठीक है? श्रेया कहां गायब हो गए थे बेटा आप? आवाज नहीं, वकीश हो रहा था बहुत ज्यादा, अब भी आया है। हाँ चलो ठीक है, सुनो मैंने क्या बोला, अगर एक वन मॉलिक्यूल ही अगर एसिड दिया है, वहां से वाटर निकाले तो बेटा, तो वहां पर आप जो नाम आएगा ना, उसमें आप क्या लगा देना, मेटा, तो वो मेटा एसिड होगा। जैसे H3PO4 में वाटर निकाल दो बेटा, अरे हाँ ना बोलो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, मुझे बताओ जल्दी से, HPO3 बेटा H2O, दो हाइड्रोजन निकाल दो, दो हाइड्रोजन निकल गया, एक ऑक्सीजन निकाल दो, क्या बचा, एक हाइड्रोजन बचा, ठीक है, एक फास्फोरस ऑलरेडी है ये, तो इसका नाम क्या बेटा, मेटा, इसका नाम क्या था, फास्फोरिक था, मेटा फास्फोरिक एसिड, ये हो जाएगा मेटा फास्फोरिक एसिड। बेटा मैं समझाने का तरीका बता रहा हूँ यार, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो क्या? Yes, अब इसने जिसने भी इसको नाम दिया वो दिया, अच्छा ऐसा नहीं कि मेटा फॉर्मूल इसी से ही बनेगा बेटा, आप यहाँ पर दो मोल भी ले लेते ना, और इसको पहले हीट कर दिया, इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट देते ना, और भी ज्यादा, यहाँ पर लगभग 220 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है, तो ये बनता है,
मतलब एक नॉर्मल हिट अगर आपने दिया 220 के आसपास, तो ये अगर 220 से बढ़ा दिया, 320 दे दिया, 350 दे दिया, तो ये भी मेटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको नाम याद करा रहा हूँ बस, ऐसा समझ पा रहे हो क्या? जी सर। ठीक है बेटा, तो ये है मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा बेटा, ये ध्यान रखना ना, ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड जो है, ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड हो गया बेटा ये, ठीक है श्रेया, कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ है, प्लीज जहां से मैं बता रहा हूँ ना वहीं से ध्यान रखेंगे। पुराना अपना वो मैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं सेंड कर दूंगा, ज्यादा कुछ नहीं छूटा है आपका, ठीक है सर? आप की पॉइंट लिखवा रहे थे, वहां से छूटा था मेरा। अच्छा, की पॉइंट लिखवा रहा था, हाँ तो कुछ नहीं है, वो पुराना जो चीज है ना मैंने उसी को कंटिन्यू किया है। आप, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, आप देख लेना, आप उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? आगे अभी यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। चलो अब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड है या बेटा, अगर मैं इसमें एच प्लस निकाल दूंगा, मतलब ये क्या है, PO3 माइनस, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है ध्यान रखना बेटा, ये जो ये PO3 माइनस है ना, मतलब ये मेटा फॉस्फेट में बदला दो, इसको मैं क्या बोलूंगा, मेटा फॉस्फेट, अरे हाँ ना बोलो, मेटा फॉस्फोरिक एसिड से मेटा फॉस्फेट, अरे हाँ ना बोलो सर, फॉस्फेट तो PO4 3 माइनस होता है। अरे मैं सिर्फ फॉस्फेट बोल रहा हूँ कि मेटा फॉस्फेट बोल रहा हूँ, मेटा फॉस्फेट, हाँ तो फॉस्फेट होता है ना PO4 3 माइनस होता है ना, ये क्या है PO3 माइनस, तो ध्यान रखना बेटा, मेटा फॉस्फेट बोल दू या मेटा फॉस्फोरिक एसिड बोल दू, तो बेटा ये मोनोमेटा फॉस्फोरिक एसिड या मोनोमेटा फॉस्फेट, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करता है, इसका कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है। मतलब मैं ऐसे ना बोलू बेटा कि मोनोमेटा फॉस्फेट एग्जिस्ट करता है, इसका एविडेंस नहीं है, कहीं पर भी इसका एविडेंस नहीं है, तो ये माना जाता क्या, मतलब ये जो है ना, जो मेटा फॉस्फेट है ना, ये साइक्लिक ट्राइमर बनाता है। आप लोग नीचे इसके इसी के नीचे लिख सकते हो, इसको अलग से आप लिख सकते हो बेटा, मैं इधर लिख रहा हूँ कि जो PO3 माइनस है ना, ये मोनोमर के फॉर्म है, मतलब मोनोमेटा फॉस्फेट बेटा ये एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये ट्राइमर बनाता है, ये साइक्लिक ट्राइमर बनाता है, साइक्लिक क्या बनाता है बेटा, साइक्लिक ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये बनाता है P3O9। जब साइक्लिक ट्राइमर बनाता है मतलब बेटा ये P3 और O क्या हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा -3, मतलब साइक्लिक ट्राइमेटोफॉस्फेट के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक ट्राइमेटाफॉस्फेट के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, मोनोमेटाफॉस्फेट एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, साइक्लिक ट्राइमर में एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक ट्राइमेटोफॉस्फेट में ये जाकर एग्जिस्ट करता है। सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हम लोग जैसे देखते हैं ना क्या कि P2O5 जो होता है वो किसमें एग्जिस्ट करता है, डाइमर में, P4O10 में, वही कहानी है, वैसे ही PO3 माइनस भी P3O9 माइनस 3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस फॉर्म में एग्जिस्ट वो नहीं करता। तो देखना, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओगे बेटा? हाँ सर। ठीक है ना, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या इसमें पीओपी लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं, क्या इसमें पीओपी लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है ना? तो चलो इसका आंसर देखेंगे थोड़े देर बाद, पहले क्वेश्चन ये पूछ लेता हूँ, एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लगातार। पहले क्वेश्चन मैंने क्या बोला, पीओपी लिंकेज प्रेजेंट या एब्सेंट, राइट? क्वेश्चन नंबर टू पहले पूछ ले रहा हूँ अभी, अगेन क्या NO3 माइनस, बेटा नाइट्रोजन NO3 माइनस जानते हो क्या? मुझे बताओ NO3 माइनस इज आइसो स्ट्रक्चरल विद PO3 माइनस, ट्रू या फॉल्स? NO3 माइनस इज आइसो स्ट्रक्चरल, इज आइसो स्ट्रक्चरल, इज आइसो स्ट्रक्चरल विद PO3 माइनस, ऐसे लिखना बेटा, NO3 इज आइसो स्ट्रक्चरल विद PO3 माइनस, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स होगा, फॉल्स, क्योंकि PO3 माइनस तो वैसे, क्योंकि PO3 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, PO3 माइनस एग्जिस्ट करता है साइक्लिक, सर जो हाइपोथेटिकल जो हमारा तरीका है हाइब्रिडाइजेशन बनाने का, वैसे तो ये आइसो स्ट्रक्चरल ही दिख रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, कि तुम अभी, मैं ये सब बातें नहीं बताता ना, तो तुम इसको आइसो स्ट्रक्चर मार के आती,
आती कि नहीं आती? तुम्हारा आंसर भी गलत होता, बड़ा सांडा मिलता फिर, अरे है कि नहीं, है ना? पर अब तुमको मालूम है तो तुमको ट्रॉफी मिलेगी, अरे मिलेगी नहीं मिलेगी? यस सर। हाँ तो PO3, तो बेटा अगर हमको नॉर्मल सोचे तो हमको NO3 माइनस और PO3 माइनस आइसो स्ट्रक्चर दिखाई देते, अरे देते नहीं देते, देते पर ऐसा नहीं है, नहीं होता। प्लीज ध्यान रखें PO3 माइनस हमेशा साइक्लिक ट्राइमर बनाता है और P3O9 माइनस 3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और P3O9 माइनस 3 का अब स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है ना? और तब देखेंगे बेटा कि जब ये इसमें एग्जिस्ट करता है तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आइसो स्ट्रक्चर है या नहीं, अगर दोनों दोनों आपस में आइसो स्ट्रक्चर होते तब आंसर ट्रू होता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। सबको क्लियर? तो P3O9 माइनस 3 का स्ट्रक्चर देखें, और अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसमें POP लिंकेज प्रेजेंट है या एब्सेंट। अरे हाँ ना बोलो भाई। चलो एक बार फिर से तो देखो बेटा, एकदम तरीका बता रहा हूँ आराम से ना, इसको कैसे अपन लोग करते हैं सुने। सबसे पहले बेटा, अच्छा आपको पता है ना OP इज वेरी इंपॉर्टेंट? हाँ पता है। अरे पता है कि नहीं पता? कितने बच्चों को सबको पता है कि नहीं पता है ना? हाँ जब पता होगा तभी बनेगा भाई, जो भी बोलेगा इम्पोर्टेंट नहीं पता चलेगा। अरे है कि नहीं इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट है सर। हाँ तो सुनो, चलो तो बेटा आपने ओपी 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 ना जपना शुरू कर दो, ठीक है? तो चलो जपना शुरू करते हैं। ओपी ओपी ओपी, ठीक है क्या? पहले ये और बना दो। अरे बना लोगे नहीं बना लोगे? बना लो सर। बना लिया क्या? बना लिया सर। बस अब इसके बाद फिर क्या करना बेटा? अब इसके बाद फिर क्या करना, ठीक है ना? सब ये फॉस्फोरस है ना, तो अब क्या करना, इसको डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, फॉस्फोरस में डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस, कहानी खत्म। P3 कितने ओ बेटा? यहाँ पे टर्मिनल पे 6 है, 7 8 9, P3O9 और माइनस 3। दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? बिल्कुल, यस सर। हाँ तो चलो, तो ये है, ये है P3O9 माइनस 3 का स्ट्रक्चर। क्या इसमें POP बॉन्ड प्रेजेंट है क्या? हाँ सर है ना। क्या POP? हाँ बेटा, इसमें POP लिंकेज है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है। सबको क्लियर? यस सर। सबको क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है ना, NO3 माइनस बेटा ये प्लेनर होता है, प्लेनर, जबकि यहाँ पर फॉस्फोरस sp3 होने की वजह से इसका जो शेप होता है, मतलब अगर पर्टिकुलर एक फॉस्फोरस अगर मैं देखूं तो इसका जो शेप होता है टेट्राहेड्रल। मुझे बताओ NO3 माइनस इज आइसोस्ट्रक्चरल विद PO3 माइनस, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। सबको क्लियर? यस सर। सबको क्लियर? हां शाबाश। चल वेरी गुड, आगे बढ़े बेटा। नो सर। नो सर की यस सर, ये हुआ नहीं, ये लिख रहे हैं। हाँ लिखो लिखो लिखो। जल्दी करो जल्दी करो बेटा, छुट्टी भी तो करनी है क्या? चलो चलो, हो गया क्या बेटा? ध्यान में रखना फॉस्फरस के सारे ऑक्सी एसिड में, जितने भी ऑक्सी एसिड में फॉस्फरस के सारे ऑक्सी, बेटा स्ट्रक्चर बना लिया था ना? हाँ सर ये बना लिया था। हाँ फॉस्फरस के सारे ऑक्सी एसिड में पी डबल बॉन्ड वो हमेशा प्रेजेंट रहता है, ऑल ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फरस हैव पी डबल बॉन्ड ओ ऑलवेज। समझ में आ रहा है बेटा? पी डबल फॉस्फरस के सारे ऑक्सी एसिड में पी डबल बॉन्ड ओ जरूर रहता है, पी डबल बॉन्ड ओ। जैसे अगर मैं हाइपोफॉस्फरस एसिड बोल दूं, हाइपोफॉस्फरस एसिड क्या होता है बेटा? H3PO2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी डबल बॉन्ड ओ आप हमेशा रखना। तो ये H3PO2 है, ये H3PO2, H3PO3 क्या होता है, पी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना? OH, H3PO4 क्या होता है, आगे दिखाई देगा? हाँ दिखाई देगा, पी डबल बॉन्ड ओ। सल्फर में एक से ज्यादा हो सकता है, इसमें एक रहता है जनरली, ठीक है बेटा? ये ऐसा, तो ये है बेटा, ये H3PO3, ये है H3PO4, ठीक है? ये है हाइपोफॉस्फोरस,
फॉस्फोरस और ये फॉस्फोरिक। इसका नाम क्या है बेटा? ये है हाइपोफॉस्फोरस। इसका नाम क्या है? हाइपो फॉस्फोरस। ये क्या है? फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। और ये क्या बेटा? फॉस्फोरिक। क्लियर? अरे हाँ बोलो भाई। नहीं होगी किस को होती है सर, किसको हाइपो बोलते हैं, किसको सिर्फ एक, मतलब ऐसे बोलते हैं उसको बेटा? इसको हाँ, इसको ना थोड़ा इसको याद ही रखना, फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, इसको याद ही रखना, ठीक है ना? इसमें कोई अलग से कोई लॉजिक नहीं है बेटा, ठीक है? जी ठीक है। ये सब के सब क्या है? आइसो स्ट्रक्चर है। सब के सब क्या है बेटा? आइसो स्ट्रक्चर, आइसो स्ट्रक्चर। फॉस्फोरस का रिलेशन सब में sp3, ठीक है बेटा? चल अब हम लोग आ जाते हैं ऑर्थो बोरिक एसिड। बेटा इसमें ना इसको ना ऐसे बोलते हैं ना, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो मतलब ऑर्थो वर्ड जुड़ गया तो ऐसा मतलब सर क्या चला है क्या? नहीं, इसे को कॉमन नेम ये भी बोलते हैं ना, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है क्या बेटा? नहीं अब वो नेमिंग में लगा देते हैं बेटा, कॉमन नेम में यूज करते हैं ऑर्थो, ऑर्थो फॉस्फोरिक या फॉस्फोरिक एक ही बात है, ठीक है ना? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो नहीं होते सर, ऑर्थो सल्फ्यूरिक? ना 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 उसमें नहीं बोलते, इसमें बोल एक तो फॉस्फोरस भी यूज करते हैं या बोरिक एसिड में भी यूज करते हैं ऑर्थो बोरिक एसिड लाइक ऐसा, ठीक है ना? ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा नहीं बोलते, ठीक है ना? और अगर बोल भी दिया कभी सपोज तो बेटा वही है, सल्फ्यूरिक एसिड ही है, क्लियर है ना? चल स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं बोरिक एसिड की। ये इसको अभी अभी बताया, इसको आप ऑर्थो बोरिक एसिड भी बोल सकते हो ना, ये ऑर्थो लिख देता हूं मैं, ऑर्थो बोरिक एसिड। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड है बेटा, इसको आप गर्म करते हैं, सुनने के ना? तो ये 1 मोल अगर मैं लिया हूं तो इसको मैं ये 1 मोल लिया है बेटा, 1 मॉलिक्यूल लिया हुआ है, इसको हमने गर्म करते हैं, वाटर निकालो क्या बनेगा बेटा? जल्दी बताओ, तो जल्दी जल्दी बताओ, वाटर निकालूंगा तो क्या बनेगा यहां पर? ये बन जाएगा HBO। समझ पा रहे हो क्या बेटा? ये बन जाएगा आपका मेटा ऑर्थोबोरिक एसिड या मेटाबोरिक एसिड, समझ ना रहेगा? मेटा ऑर्थोबोरिक एसिड या मेटाबोरिक एसिड, ये एक ही बात है, ठीक है बेटा? इसको आप लोग ना इसको चार अगेन इसको 4 मोल लेके इसको बेटा अगेन आप इसको ना रेड हीट देते हो, रेड हीट मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है ना बेटा? इसको आप लोग हाई टेम्परेचर जब देते हो इसको, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर बनता है B2O3, ठीक है ना, बोरोन ट्राइऑक्साइड, थोड़ा सा लाइट रहेंगे ना। चलो बेटा B2O3 दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, बोरोन ट्राइऑक्साइड मेटाबोरिक एसिड, ठीक है बेटा? ठीक है हाँ। अगर रेड हॉट देते हैं तभी, रेड हीट समझ पर, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं ना तो ये फिर इसमें कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल हीट देने पे बेटा, अगर नॉर्मल हीट आप देते हो जैसे ना नॉर्मल जैसे, तो आप सोचो नॉर्मल हीट देंगे नॉर्मली तो ये क्या बनेगा, ठीक है ना? जैसे बेटा कितने हाइड्रोजन है? 4 ले लो, 4 मोल लिया है। बोरोन कितने है बेटा? 4। ऑक्सीजन कितने हो गए? 8। वाटर निकालो, वही कहानी ना, नॉर्मल तो क्या बेटा क्या होगा? 2 पानी निकल जाएगा, दो हाँ, तो H2 निकल गया, B4O7 ये बनेगा, H2B4O7 बनेगा, समझ पा रहे हो क्या? मतलब एक और दूसरा ऑक्साइड बन जाएगा, बोरोन का लाएगा ऐसा। आपको मतलब अगर बोरोन ट्राइऑक्साइड बनाना है इसको, ठीक है ना बेटा, ये काफी ज्यादा इसको हीट देनी पड़ेगी अगर, या फिर इसको फर्दर, जैसे आपने यहाँ से यहाँ पे हीट दिया है, और फर्दर हीट दो बेटा, और फर्दर हीट दो, इसमें समझ में आ रहा है क्या बेटा? हाँ सर।
मतलब फाइनली हमने क्या देखा कि बोरोन ट्राइऑक्साइड जो बेटा वो ऑर्थो बोरिक एसिड को जब हम लोग काफी ज्यादा हीट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है B2O3। हां भाई काम की बात तो ये है, सबको समझ में आ रहा है क्या? जी सर। हां तो ये आप लोग ध्यान में रखना, तो ये बोरिक एसिड की बता दिए। चलो एक एक नॉर्मल एक ना क्वेश्चन पूछता हूं ना, बताना बेटा जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं, तो परऑक्सी लिंकेज या परऑक्सी एसिड के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या देखना होता है? जहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज हो वही तो परऑक्सी लिंकेज है बेटा, है ना। तो जैसे मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन परऑक्सी लिंकेज, एक क्वेश्चन पूछता हूं बताएंगे ये। चलो पहले ना इसका एग्जांपल देख लेते हैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा। बेटा परऑक्सी लिंकेज वाले जैसे H2SO5 जैसे परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं, कैरोज एसिड है नहीं? हाँ है ना, प्रेजेंट है। हाँ कैरोज एसिड, ठीक है। ये क्या है H, मैं बार बार उसी चीज पर ध्यान दे रहा हूं बेटा जो इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। H2SO5 दिख रहा है बेटा? एक होता है बेटा, एक होता है ना, अच्छा एक ध्यान में रखना, एक होता है परफॉर्मिक एसिड, परफॉर्मिक एसिड। परफॉर्मिक एसिड क्या होता है बेटा? फॉर्मिक एसिड जानते हो क्या? ये फॉर्मिक एसिड है ना, तो ये हो जाएगा परफॉर्मिक एसिड। ये परफॉर्मिक एसिड बेटा ध्यान रखना, परफॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला जब लिखोगे ना तो आपको ना ये कार्बोनिक एसिड दिखाई देगा, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना सर। हाँ तो बेटा इसको ना तो ध्यान में रखना, मतलब यहाँ पर परफॉर्मिक और कार्बोनिक एसिड दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम ही है, लगभग सेम क्या सेम ही है, कार्बोनिक एसिड और परफॉर्मिक एसिड दोनों का फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन परफॉर्मिक एसिड ये है लेकिन कार्बोनिक एसिड ये, कार्बोनिक एसिड में परऑक्सी लिंकेज नहीं होता, परफॉर्मिक एसिड में परऑक्सी लिंकेज होता है। दिख रहा है ना भैया? ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, अलग से बगल में लिखना चाहो तो लिख लेना भैया कि कार्बन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं इसके साथ वो ना कर दूं, मिक्स ना कर दूं, ठीक है। और दिमाग को भी एकदम सीधा रखेंगे, ऐसे ऐसे मत करना, ठीक है ना, ठीक है। हाँ बेटा मैं बात करता हूँ बिल्कुल सर। हाँ तो बेटा पर ऑक्सीजन में पर नाइट्रिक एसिड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक और ऑक्सीजन लग जाएगा बेटा। नाइट्रिक एसिड आप नाइट्रेट का स्ट्रक्चर बनाना आता होगा तो बस H+ जोड़ दोगे तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, है ना? अरे हाँ ना बोलो। हाँ हाँ सर। मतलब यहाँ पर देखो आप लोग पर 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 जहाँ पर आ रहे मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन के मिल रहा है ना, पर फॉर्मिक एसिड पर नाइट्रिक एसिड। अरे यस और नो? हाँ सर। अच्छा एक और बेटा, पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड का कौन बताएगा? पर ऑक्सी फॉस्फोरिक फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर पता है लोग को? हाँ, उसमें एक ऑक्सीजन बताती है। ये फॉस्फोरिक है क्या? तो पर ऑक्सी में क्या हो जाएगा, ये दो ऑक्सीजन, ठीक है ना बेटा? अरे हाँ ना बोलो। ओके अब एक क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा बोलो तो बेटा, अब पूछता हूँ, अब इसका आंसर सब बता दो, मुझे पता है सबके सब एनर्जेटिक है, बिल्कुल है सर। बाकी लोग भी हो ना भैया? यस सर। चलो थोड़ा सा बेटा एनर्जी बना के रखेंगे यार, ठीक है ना, आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एनर्जी। चलो क्वेश्चन है विच इज नॉट ट्रू पर एसिड, कौन ट्रू पर एसिड नहीं है? ट्रू पर एसिड का मतलब है कि किसमें परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। परऑक्सी प्रेजेंट नहीं है ना, नहीं है वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ। विच इज नॉट
ट्रू पॉजिटिव. क्लियर है बेटा? यस सर. फर्स्ट ऑप्शन लिखेंगे जल्दी से. फर्स्ट ऑप्शन लिखेंगे बेटा पर एसिडिक एसिड. पर एसिडिक एसिड एसिडिक एसिड. नंबर टू एसिडिक बेटा ए सी ई आएगा ना इसमें, ठीक है ना. नंबर टू पर नाइट्रिक एसिड. पर नाइट्रिक एसिड. और नंबर थ्री है पर क्लोरिक एसिड. नंबर फोर है न. बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड. पर क्लोरिक एसिड. शाबाश आंसर पर क्लोरिक एसिड. बेटा पर क्लोरिक एसिड क्या होता है? कितने लोन पेयर? एक दो तीन चार पाँच छह. तीन लोन पेयर यस और नो? तीन डबल बॉन्ड आ जाएगा. हाँ तो बेटा ये सब जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स नेक्स्ट जुड़ेंगे, लेकिन फर्स्ट और सल्फर क्लोरीन पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. माइनस हटा के एच लगा दो बन गया क्या HClO4. तो ये पर क्लोरिक एसिड है बेटा. पर क्लोरिक एसिड में पर ऑक्सीनेट पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए ये ट्रू पर एसिड नहीं है. क्लियर है बच्चों? नाम बेटा नाम में इसके पर आता है. हाँ लेकिन नाम में भी पर, नाम में पर आता है लेकिन ये ट्रू पर नहीं है. ठीक है बेटा? फॉल्स पर है ये. हाँ ये फॉल्स पर है. सबको क्लियर ना? जी सर. इसके जैसा कोई और भी होता है? नहीं नहीं इसके जैसा और तो कोई नहीं है, लगभग तो नहीं है. अगर आ जाएगा तो मुझे बता देना. ठीक है जी सर. चलो आगे बढ़े बेटा. यस सर. तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कॉमन चीजें जो मैंने बताया. अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आने वाली है हाइड्रोलिसिस. इसके लिए सबके सब एकदम अटेंटिव रहेंगे. हाइड्रोलिसिस ठीक है ना बेटा? यस सर. देखो बेटा एक ध्यान में रखना, आयनिक कंपाउंड का ना हाइड्रेशन होता है. वाटर में अगर आपने ना आयनिक कंपाउंड डाल दिया, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड को आपने आपने जैसे H2 में डाला, तो उसका क्या होता है बेटा? हाइड्रेशन. मतलब वो क्या करेगा? आयन जनरेट करेगा. और समझ पा रहे हो क्या? हाँ. लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड का जो है ना, अगर कोवेलेंट कंपाउंड है ना, कोवेलेंट कंपाउंड उसको वाटर में डालोगे तो उसका क्या होगा? हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस. सबको क्लियर समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोलो भाई. हाइड्रोलिसिस मतलब, हाइड्रोलिसिस मतलब बेटा कि कोई कोवेलेंट कंपाउंड ही होगा जिसको वाटर में डालेंगे तो क्या होगा बेटा? हाइड्रोलिसिस होगा. मतलब वाटर टूटेगा और उसके साथ क्या होगा बेटा? कंपाउंड बनेगा. ठीक है. आयनिक कंपाउंड को वाटर में क्या होता है? हाइड्रेशन. जैसे NaCl डाल दिया, तो NaCl डाल दिया बेटा तो Na+ का भी हाइड्रेशन होगा, Cl- का भी हाइड्रेशन होगा. कोई भी आयनिक कंपाउंड है बेटा उनका वाटर में क्या होता है? हाइड्रेशन. लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड का क्या होता है? हाइड्रोलिसिस. तो हाइड्रेशन तो नॉर्मल चीज है, आप समझते हो बेटा. हाइड्रेशन हम पढ़ने वाले हैं अभी. हाइड्रोलिसिस. क्लियर है बेटा? अगर सर कोई पूछता है कि कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं क्या कि उसका हाइड्रेशन ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है तो हाइड्रेशन नहीं हो पाते हैं. हाँ, बोल सकते हैं कि नहीं सर. ऐसे ही सेम क्वेश्चन आया था सर टेस्ट में, और मैं हाइड्रेशन आंसर डाली तो वो काट दिए, गलत कर हो गया सर उसका. देखो बेटा आपको चार ऑप्शन में ये चेक करना है कि कौन सा बेटर ऑप्शन है. एसिड का पूछा था सर, तो कौन सा बेटर बेटा उन चारों में से ना कौन सा बेटर ऑप्शन है? अगर उससे बेटर ऑप्शन अगर है तो वो गलत होगा. आपको उन चारों में से भी तो बेटर होगा ना ऑप्शन. सर वो एसिड का पूछा था कि स्मॉलर एसिड जो है ना वो वाटर में सॉल्युबल है, तो एक में हाइड्रेशन भी दिया था और एक दिया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना था, तो हाइड्रोजन. हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट बात है ना बेटा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तभी हाइड्रोजन वाटर में सॉल्युबल होगा. बेटा हाइड्रेशन आयनिक बेटा सर क्योंकि बड़ा वाला भी तो बना है. बताओ कोई एसिड आयनिक कंपाउंड है क्या? नहीं नहीं. तो हाइड्रेशन किसका होता है? आयनिक कंपाउंड. ठीक है ना, पानी में घुला तो आयनिक हो गया.
बेटा आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले सॉल्युबिलिटी का फंडा बताया है, आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है ना, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पहले ही लिखा दिया आप लोगों को। तो क्यों हाइड्रेशन होता है उनके इसलिए नहीं, अभी हाइड्रेशन होता है इसलिए नहीं, वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं इसलिए होता है, ठीक है। तो सर बड़ा वाला नहीं करता क्या? बड़ा वाला भी तो करता है ना। कौन सा बड़ा वाला? मतलब बड़ा वाला जो एसिड होता है उसमें बोला था कि स्मॉलर एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। बेटा बड़ा वाले में ना हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाता है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाते हैं, तो बेटा वो वाटर में सॉल्युबल और धीरे 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 उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है। हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, लेस सॉल्युबल होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होती तो बिल्कुल इनसॉल्युबल हो जाता, ठीक है। चलो चलो बेटा, तो आयनिक, तो आयनिक क्लोराइड, आयनिक हैलाइड का, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, जैसे हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं तो आयनिक हैलाइड का हाइड्रेशन होता है, जबकि कोवेलेंट हैलाइड का क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। सुनेंगे तो हाइड्रोलिसिस का कंडीशन देखते बेटा, कि ऐसा नहीं कि सारे के सारे कोवेलेंट कंपाउंड है, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है सबका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं। तो कंडीशन देखेंगे, कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस सुनेंगे बेटा, कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस थोड़ा जल्दी से करते हैं, आगे भी बढ़ना है बेटा, छुट्टी भी करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा हाइड्रोलिसिस के लिए क्या ध्यान रखना, इसमें बेटा उस सेंट्रल मेटल के पास में, सेंट्रल हो या साइड हो कोई भी हो, ठीक है बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल क्या होना चाहिए बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। और नंबर टू के बेटा कि वो कोवेलेंट कैरेक्टर रखता हो, क्योंकि हाइड्रोलिसिस किसका फंडा है, किसका फीचर है बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड का, ठीक है ना। तो वो क्या होना चाहिए, कोवेलेंट कैरेक्टर रखना चाहिए, तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर शो रखे और उसके पास क्या हो बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। अगर ये दो बातें अगर आपको मिलती है इसका मतलब है कि वो उसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। अच्छा, और इसका जो मैकेनिज्म है ना बेटा, जैसा आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो क्या बनता है, तो जो हाइड्रोलिसिस होने वाला जो मैकेनिज्म है ना वो SN2 मैकेनिज्म होता है जनरली, SN2 जनरली, सुनेंगे मेरी बात। अभी SN2 क्यों लिख दिया मैंने सर, तो ऑर्गेनिक में घुस गए, ठीक है ना, इसलिए लिखा है क्योंकि मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ तो SN2 से समझाऊंगा, ठीक है क्या। चलो अब देखना SN2 का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। जैसे बेटा एक एग्जांपल लेता हूँ, BCl3, क्या BCl3, तो BCl3 को जब हमने वाटर में डाला तो इसका होता है हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस होकर बेटा ये जो बनाता है क्या बनाता है, कौन बताएगा क्या बनाता है, जल्दी बताओ क्या बनाता है, ये बोरिक एसिड क्या, H3BO3, और इसको बेटर यहाँ इस तरीके से लिखेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहता है, ये ज्यादा बेटर तरीका है, BOOH बोलते हैं, ऐसे ये बनाता है। तो चलो ये कैसे बनाता है देखते हैं, H3BO3 बनाया बेटा, और साथ में कितने HCl निकल जाते हैं, 3 HCl निकल जाते हैं, सुनेंगे मेरी बात। तो ये सबसे पहले इसका मैकेनिज्म मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, मैकेनिज्म इसलिए बताऊंगा क्योंकि आगे आप लोग को थोड़ा सा समझने में मदद करेगा, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करना। अरे हाँ बोलो भाई, ठीक है ना, बुक में डायरेक्टली लिखा रहता है लेकिन आप लोग को थोड़ा सा समझाऊंगा क्योंकि मैं ऑर्गेनिक भी, हाँ आपको पढ़ाया हूँ, ऑर्गेनिक का भी मैं छात्र हूँ, ठीक है, तो मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा, टीचर नहीं हूँ, ठीक है, हर कोई स्टूडेंट होता है बेटा, चाहे कितना भी, हर कोई हर समय सीखता ही रहता है, है ना, तो मैं भी तो एक स्टूडेंट ही हूँ। अरे हाँ ना बोलो, तो सुनो मेरी बात, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये BCl3 है, BCl3 यहाँ पर ये वाटर रहेगा, तो अब क्या होगा मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैकेनिज्म मैंने क्या बताया बेटा, SN2, अरे हाँ ना बोलो, यस सर, ठीक है ना, तो ये H2 आया, तो अभी क्या होगा, ये यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि बोरोन और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव देख के मौका मारा चौका मार दिया, अटैक किया रे, अरे किया कि नहीं किया, तो जैसे किया बेटा एक बात मुझे बताना, अब यार देखो जबरदस्ती क्वेश्चन मत पूछना, सर ये तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करना, ठीक है ना, ये ऐसे कैसे करेगा, मुझे पता था कि कोई ना कोई इसमें शुरू करेगा, लेकिन यहाँ पे मैकेनिज्म SN2 है तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही, ठीक है ना, समझाया जाए, ठीक है बेटा, मान लेंगे, हाँ मान लेना, ठीक है ना। तो चलो,
तो इसने अटैक किया और ये बैक अटैक फ्रंट अटैक दुनियादारी ये सब में ऐसी कोई बातें नहीं, ठीक है ना बेटा। तो इसने अटैक किया, तो जब अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये वाला बॉन्ड बन रहा होगा और कोई वाला कोई एक बॉन्ड क्या होगा बेटा टूट रहा होगा साइमल्टेनियसली। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलिए तो 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 ऊपर बनाऊंगा मैं, मेरे पास जगह नहीं है बेटा, तो इधर मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो फिलहाल ऐसा हो जाएगा कि ये हो जाएगा बी बेटा, एच टू को थोड़ा सा ऊपर ले लो चलेगा, तो किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं है ना। और इस क्लोरीन को मैं साइड में ले लूंगा तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं? नहीं। हाँ तो बेटा ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। हाँ हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर। सबको क्लियर? बिल्कुल सर। हाँ तो अब फाइनली क्या होगा, अब यहाँ पर फाइनली क्या होगा बेटा, जब ये टूट रहा होगा तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा बेटा, ये निकलेगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, ये इस पे अटैक करेगा तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अरे हाँ ना बोलो। हाँ। अरे और मी पढ़ा है ना? हाँ। यस सीएल माइनस निकलेगा अगर तो इस पे आएगा प्लस चार्ज। हाँ। एच टू इस पे अटैक करेगा तो प्लस चार्ज किस पे चले जाएगा, एच टू पे नहीं जाएगा क्या? हाँ सर। हाँ तो फिर हाँ सर ठीक है। तो सुनो, तो यहाँ पर बेटा ये प्लस इसके ऊपर आ गया, आया नहीं आया? आया। हाँ तो एक पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके मरेगा, ये हाइड्रोजन मतलब छोड़ के जाएगा। अरे तो फाइनली क्या हो गया बेटा, और यहाँ से सीएल तो ऐसे ही निकल गया फाइनली, तो एचसीएल निकल गया क्या? जी हाँ। अब एचसीएल निकल गया और बच और बना क्या बेटा, ये हो गया बी, एक हो गया ओएच यहाँ पर, एक आ गया सीएल और एक सीएल की, और एक तो बाहर निकल गया है ना, फिर करेगा। हाँ अब फिर से वैसे बेटा एक और वाटर मॉलिक्यूल आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, फिर जुड़ेगा, फिर से एक और वाटर मॉलिक्यूल आएगा, तीन मोल ऐसे आएंगे, कितने मोल आएंगे? तीन। और तीनों क्लोरीन को निकल बाहर करके तीनों के तीनों जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, बी ओ एच पोलराइज। अरे हाना बोलो भाई। बिल्कुल ठीक है, एस थ्री बी ओ थ्री, इतना ही लिखो, इसके आगे इसकी जरूरत नहीं, आपको इतना समझदार हूँ मैं, आपको इतना समझदार तो मानता हूँ जो कि आप हो। अरे वो नहीं हूँ ना, तो सुनो मेरी बात, अब काम की बात, ठीक है, देखना बेटा ना, इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखना ये अभी आगे आएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, ऐसा मुझे बताना नहीं चाहिए था, पूछना चाहिए था आपसे, लेकिन मैं बता देता हूँ। सुनो बेटा, कंडीशन नंबर वन क्या था, कंडीशन नंबर वन क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल बेटा, इस बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल था, उसी वजह से ये वाटर इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक कर पाया, इस सेंट्रल के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता ना तो वो अटैक भी नहीं कर पाता बेटा, मैंने इसलिए SN2 बोला, SN1 नहीं, SN1 में क्या होता है, पहले ही ये दुल्हन बाहर निकल जाती है, हो गया फिर अकेला बैठ जाता है, फिर उसके बाद फिर निकलो तो वो ऐसे मन होता है, याद आ रहा है क्या? हाँ, हाँ। तो बेटा क्या यहाँ पर सीएल पहले निकला क्या? नहीं नहीं, वाटर पहले ही इस पे अटैक कर गया, ठीक है ना, और जब अटैक कर गया तो अटैक करने के लिए बेटा उसके पास कोई दूसरा ऑर्बिटल तो होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल जिसपे वो अटैक करे, तो उसने उसके वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक किया, तब जाके क्लोरीन बाहर निकला, इसका मतलब है कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था इसीलिए आगे रिएक्शन हुआ, ठीक है। चलो एक बार फिर से बेटा इसमें मिटा दूं क्या? Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो ना। हाँ हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है कि BCl3 में 3 H2O मिलके H3BO3 कैसे बना, सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। चलो तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स, तो चलो हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड बेटा मैं बात करता हूँ BeCl2 की, BeCl2 में बेटा वाटर दे दिया 2H2। अरे यस और नो, ये बैलेंस तो करते रहेंगे ना, मैं लिख दिया ऐसे बार बार नहीं लिखूंगा, क्लियर है बेटा? तो क्या बन जाएगा भैया, बी निकालो बाहर सीएल को। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर। अरे बोलो दो। हाँ सर। हाँ तो ये BeCl2 ये हो जाएगा, क्लियर है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, बेरिलियम बोरान कार्बन CCl4 बेटा डाल दो चार वाटर, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो क्या बन जाएगा, COH होल ट्वाइस एंड 4HCl, अरे बोल दो। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चलो थैंक यू, इतना तो ध्यान आया तुम लोग का CCl4 कोवेंट तो है पर इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है ना। हाँ
तो CCl4 कोवेलेंट होते हुए भी इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। सबको समझ में आया क्या? यस सर। नहीं आया? बाकी बच्चों को नहीं आया? आया ना पक्का? आया सर। हाँ बेटा, आपको पता होगा कि कार्बन ने, देखो बोरोन या बेरिलियम की बात करो तो हमें बेरिलियम भी ले लो चाहे बोरोन ले लो, उसमें एमटीपी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एक है बोरोन में, एक है बेरिलियम में, दो होगा। अरे समझ पा रहे हो क्या? जब वो BCl2 बनाएगा तो, है ना? लेकिन कार्बन की मैं बात करूं CCl4 बेटा, तो यहाँ पर तो चारों के चारों एक्साइटेशन के बाद सबके सब क्लोरीन से जुड़े, कहीं पे भी वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? नहीं। अरे है क्या? नहीं है। जब वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं होगा तो वाटर कैसे अटैक करेगा? बात सबको समझ में आ रहा है क्या? तो बेटा BCl3 BeCl2 दोनों कोवेलेंट है, इनका हाइड्रोलिसिस होता है, CCl4 का CCl4 कोवेलेंट होते हुए भी इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता। नहीं है। वेरी बेटा, लिखना इसमें ओम। इंपॉर्टेंट ओम। क्यों लिखोगे ओम? इंपॉर्टेंट है। ओम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओम इज वेरी 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 नॉट वेरी। इसको बॉक्स में बंद कर देना भैया, ये बार बार पूछता है, ऐसा नहीं होता। CCl4 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। नहीं है। रीजन बताओ, रीजन बताओ बेटा। लैक ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। व्हाई CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज? ड्यू टू इट डज नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। लिख लेना व्हाई CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज, ठीक है ना? स्टिल इट इज कोवेलेंट, कोवेलेंट होते हुए भी रीजन है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। सबको क्लियर बेटा? जी सर। चलो चलो एक बार फिर से मुझे बताओ, क्या बेटा CCl4 की जगह मैं SiCl4 देता हूँ, क्या SiCl4 का हाइड्रोलिसिस होगा? वो भी नहीं होगा। होगा? अरे होगा, नहीं है क्या? है, डी है। हाँ, है ना, डी है ना भैया, MPD तो इसका होगा, और होगा तो SiOH4 बनाएगा। अरे बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा, ठीक है क्या बेटा? अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर, यस सर, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओगे क्या? बताएंगे सर। फर्स्ट ए, फर एस ब्लॉक में फर्स्ट ए की मैं बात करूं, फर्स्ट ए का कौन सा क्लोराइड, फर्स्ट ए मेटल का कौन सा क्लोराइड हाइड्रोलाइज होता है फर्स्ट ए का? लिथियम क्लोराइड। हाँ, और ओनली लिथियम क्लोराइड जो होता है बेटा वो होता है हाइड्रोलाइज, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट में आया था ट्रू या फॉल्स, तो इन फर्स्ट ए ग्रुप, इन फर्स्ट ए लिखवा देता हूँ बेटा मैं, ठीक है ना? इन फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए ग्रुप LiCl ओनली, ठीक है क्या? क्योंकि यही क्या है, एकमात्र कोवेलेंट है। अरे हाँ ना बोलो भाई। जी सर। ठीक है। अच्छा, और अगर मैं सेकेंड ए की बात करूं ना, इन सेकेंड ए, इन सेकेंड ए ग्रुप, ठीक है? तो बेटा तो ध्यान में रखना, BeCl2 एंड MgCl2 ये दोनों क्या होते हैं बेटा? हाइड्रोलाइज होते हैं। लेकिन MgCl2 ये आयनिक कैरेक्टर में रखते हैं बेटा। MgCl2 जब ना हम लोग ना वेपर स्टेट देते हैं, स्टीम देते हैं, स्टीम मतलब जो वाटर है बेटा, ना कोल्ड ना गर्म, गर्म भी नहीं बेटा, क्या स्टीम जब देते हैं ना, तब जाके MgCl2 का क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है। अरे समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है तो आयनिक कैरेक्टर भी होता है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यहाँ पर बेटा वाटर देंगे, लेकिन यहाँ पर देंगे स्टीम या वेपर स्टेट। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तब जाके ये टूटेगा और MgOH गोल्ड ट्वाइस हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस 3 HCl। अच्छा बेटा ध्यान में रखना एक चीज बात ना, कहीं पे भी आपको HCl मिल रहा है ना,
कहीं भी आपको एसिड मिल रहा है तो ना ऐसे पूछा जाता है क्या मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर के साथ में व्हाइट फ्यूम्स देगा, क्या मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर के साथ में व्हाइट फ्यूम्स देगा। तो व्हाइट फ्यूम्स का क्या मतलब होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है HCl जो होता है ना, वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो क्या देता है बेटा, व्हाइट फ्यूम्स देता है। फ्यूम्स मतलब धुआं, बदबूदार होता है बेटा, ठीक है ना, और पॉइजनस होता है कई बार, मतलब ये बहुत खतरनाक होता है। अगर सांसों में चली जाए बेटा, अगर हमने सांस ले ली तो बहुत जलन होती है, कई बार इंसानों की डेथ भी हो जाती है। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना कि आप जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो कहीं पे भी HCl मिल रहा है और वहां पर मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, तो इसका मतलब है कि HCl जो है बेटा वो ह्यूमिडिटी के साथ में, जब ह्यूमिडिटी होता है बेटा तो वहां पर वो क्या देता है, व्हाइट फ्यूम्स देता है। लिख लेना, एक लिख लेना यहाँ पर HCl gives, लिखेंगे बेटा HCl gives व्हाइट फ्यूम्स, HCl gives white fumes white fumes if it is contact with humidity or moisture, when they contact with क्या बेटा, humidity या moisture। समझ में आ रहा है क्या? जी सर। चलो तो मुझे एक बात बताओ, CCl4 वाटर के साथ में व्हाइट फ्यूम देता है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। SiCl4 वाटर के साथ में व्हाइट फ्यूम देता है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। क्योंकि SiCl4 का हाइड्रोलिसिस होता है और हाइड्रोलिसिस से यहाँ पर HCl बनते हैं, जो वाटर के साथ में बेटा मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा बेटा, तो उसके साथ में क्या देता है, वो व्हाइट फ्यूम देता है। सब क्लियर? जी सर। ठीक है ना बेटा। अच्छा एक सारी चीज और ध्यान में रखना ना भैया, अब ऐसा जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, MgCl2 या AlCl3 बेटा, इसको अगर आपने वाटर जो है ना स्टीम दिया है, वेपर फेज में दिया है, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, लेकिन अदरवाइज बेटा आपने नॉर्मल दिया बेटा H2, तो इसका क्या हो जाता है, हाइड्रेशन, क्योंकि आयनिक रिएक्टर में रखते हैं। समझ पा रहे हो क्या? इन एक्वा सॉल्यूशन MgCl2 बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको H2O ठीक है ना स्टीम दिया, तो वो तो इसका क्या कर देगा, हाइड्रोलिसिस कर देगा, ठीक है ना। अगर उसका एक्वा सॉल्यूशन है बेटा किसका, वाटर का, वाटर एज अ सॉल्वेंट है ठीक है ना, लिक्विड स्टेट में है, तो MgCl2 इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, बल्कि इनका क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन। समझ पा रहे हो क्या? क्वेश्चन पूछूं क्या? क्या? एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। सर MgCl2 पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, तो उसको घुलाने के लिए यानी अब हम लोग गर्म भी नहीं कर सकते ना, हम लोग क्या करेंगे इसको घुलाने के लिए? बेटा यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, MgCl2 ना वाटर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि ना इसका हाइड्रेशन हो जाता है, ये आयनिक यहाँ पर ना आयन जनरेट होते हैं, MgCl2 का बेटा वाटर में पार्शियली सॉल्युबल होता है सर। हाँ अरे वही तो बोल रहा हूँ क्या, मतलब ये आयन जनरेट करते हैं, मतलब यहाँ पर कैसे बनता है बेटा MgOH, ये ऐसा ठीक है ना, सॉरी मतलब यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर हो जाता है बेटा इसका कॉन्स्टेंट हो जाता है 6+2 ऐसा। समझ पा रहे हैं क्या, Mg+2 ये -6 यहाँ पर आ जाते हैं बेटा -4, और इसको बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन और। समझ पा रहे हो क्या? ऐसे बनता है, बेटा मैं वो वाला आपका हाइड्रेशन जो है ना, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इसको उस तरीके से आप बता रहे हो कि इसका हाइड्रेशन होगा, सर ऐसा होगा, पर मैं इसका कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना रहा था पहले। हाँ तो वैसे ही लिख लो, वैसे ही लिख लो, यही है
यही तो है, ठीक है ना, वो मतलब वो अलग फॉर्म बनाया था, मैं यहाँ पर अलग फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है क्या, ये हो जाएगा प्लस टू प्लस क्या हो जाएगा सी एल एक्वस एन माइनस फिर टू माइनस समझ पा रहे हो क्या। हाँ सर आपने पहले वैसे छ क्यों लिखा था H2O वहाँ पे, अगर आप ना उसका कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाओ, कंपाउंड बनाओ तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ले लेना, कंपाउंड में बात कर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक अलग चीज होता है, मतलब ऐसा है क्या, M2+2 में 6 होता है, ऐसा है कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ मैग्नीशियम प्लस टू का या एल्युमिनियम प्लस थ्री का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं सर, ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, बना रहे हैं एस ब्लॉक है, हाँ अरे तो कैल्शियम भी बनाता है, मैग्नीशियम भी बनाता है, बनाता है भाई, कैल्शियम का एडीटी नहीं लिखा जाएगा, हाँ देता है ना, अच्छा तो हाँ तो ये मैं आप लोग को जैसे ये आप ऐसा नहीं तो एल ए एच टू ओ ठीक है बेटा, ये एन ये हो जाएगा थ्री प्लस प्लस क्या हो जाएगा थ्री सी एल एक्वस एन माइनस, समझ पाने का बेटा, तो एक्वस सॉल्यूशन में ठीक है ना ये इनका क्या हो जाता है हाइड्रेशन हो जाता है इनका NgCl2 या AlCl2 क्यों, क्योंकि इनमें आयनिक करैक्टर भी होता है, समझ में आ रहा है बेटा जी सर, चलो इसको ध्यान में रखना, डब्बे बंद कर देना, तो अच्छा जल्दी से फिर से मुझे बताएंगे, तो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं बेटा, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि हाइड्रोलिसिस पहले एक फॉर्मूला बना दूं तो रटने वालों को मजा आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस जो होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके कोवेलेंट कैरेक्टर के, किसके कोवेलेंट कैरेक्टर, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा हाइड्रोलिसिस भी क्या होता जाएगा बेटा बढ़ते जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, अरे हाँ ना बोलो, हाँ सर, ध्यान रखना हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड किस बात पे डिपेंड करता है, उसके कोवेलेंट कैरेक्टर पे, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा हाइड्रोलिसिस भी उतना ही ज्यादा होगा, सबको क्लियर, अरे हाँ ना बोलो ना, यस सर, हाँ सर, एक बार फिर से सुने मेरी बात, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार आया है, बहुत बार आया है, क्या LiCl ठीक है ना, Li के बाद क्या आता है बेटा, लिथियम के बाद क्या आता है, ड्यून हाइड्रोजन का BCl2, हाँ CCl2 इधर सीधा जा रहे हैं ठीक है ना, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते जा रहा है क्या, देखो तुम, हाँ ठीक है ना, इसीलिए हाइड्रोलिसिस भी इंक्रीज होते जा हो रहा है, तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम LiCl देन BeCl2 और सबसे ज्यादा CCl4, अरे क्लियर है क्या जी सर, हां ऐसा नहीं CCl4 नहीं होता, CCl4 सबसे कम होगा पीछे आएगा, समझ में आ रहा है क्या, हाँ हां तो ये ध्यान रखना, बहुत बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, सबको याद रहेगा ना जी जी सर बिल्कुल, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्योंकि CCl4 में हाइड्रोलिसिस नहीं होता, उसके पास हाइड्रोलिसिस नहीं होता, हां बैक एंड डी एब्सेंट, एब्सेंट, सबको क्लियर बेटा जी सर, अगेन अगेन मैं फिर से पूछता हूं आपसे, क्या कि NaCl MgCl2 AlCl3 SiCl4 इधर से इधर जा रहे हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो हाइड्रोलिसिस भी इंक्रीज हो रहा है, बताओ ट्रू या फॉल्स, ट्रू ना, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है तो आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या बेटा, नहीं तो लग रहा है सर, सही तो लग रहा है, अरे हाँ ना बोलो ना, हाँ सर, हाँ सही तो है ना, क्या गलत है, ठीक है बेटा हाइड्रेशन होता है और कोवेलेंट कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस होता है, लेकिन ये होता क्या है दोनों में, तो वही ना वाटर है तो चारों ओर से, जिन्होंने आयन जनरेट किया ना, आयन जनरेट किया मतलब वो है हाइड्रेशन,
अब हाँ जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ है ही नहीं इतना, इससे आसान तो कुछ भी है ही नहीं। मैं जो बता रहा हूँ इससे आसान क्या है बेटा, बहुत आसान। आयनिक कंपाउंड, अगर आयनिक कंपाउंड क्या करेंगे, आयन देंगे तो उनका हाइड्रेशन होगा, बस कोवलेंट कंपाउंड आयन देते नहीं है तो उनका हाइड्रोलिसिस होगा। बस कुछ जो है जैसे MgCl2 कुछ ऐसे है बेटा जिनमें कोवलेंट कैरेक्टर भी है, आयनिक कैरेक्टर भी है, तो ये जो होता है ये भी हाइड्रेशन मतलब हाँ कर सकते हैं, मतलब करते हैं। कुछ जो कंपाउंड है जो कोवलेंट है लेकिन वो आयनिक कैरेक्टर भी शो करते हैं तो उनका भी हाइड्रेशन होता है। लेकिन अगर वाटर को बेटा आपने स्ट्रॉन्ग कर दिया, मतलब क्या स्टीम दे दिया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो वो उसका भी हाइड्रोलिसिस कर देगा। आ इधर तेरे को करता हूँ हाइड्रोलिसिस, समझ आ रहा है? हाँ ये नाम तो क्या इसमें क्या था बेटा, इसमें कुछ भी नहीं था कंफ्यूजिंग, कुछ है ही नहीं। हाइड्रोलिसिस क्या है, कोवलेंट कंपाउंड हाइड्रोलिसिस होगा, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, बस कहानी खत्म। ठीक है क्या? जी सर। सर जैसे कि जब MgCl2 में अपने को हाइड्रेशन करवाना होगा तो एक्वस H2O मेंशन करेगा ना, या जब अपने को अरे बेटा वो ना वो मैंने ऐसी ना नॉर्मल आप लोग जानकारी के लिए बता दिया यार, आप लोग उससे कंफ्यूज हो गए कि MgCl2 हाइड्रेशन हो सकता है, एल्सिल्ट्री भी हाइड्रेशन हो सकता है, वो जानकारी के लिए नॉलेज के लिए, काम की बात तो सिर्फ हाइड्रोलिसिस वाला है। ठीक है क्या? जी सर। हां सर, मैं कुछ चीजें नॉलेज के लिए बताता हूँ इसलिए कि मतलब ध्यान में रहे, ठीक है। तो अगर वो आपको दिमाग अगर खराब करता है ना तो बेटा उसको काट देना, ठीक है। यस सर। तो वैसे अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, मुझे एक बात बताना, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं ना बैगन BCl3, बैगन आलू गाजर इन थैला, बेटा थैलियम ले नहीं रहा हूं क्योंकि एग्जिस्ट नहीं, मतलब स्टेबल नहीं है। अरे हाँ ना बोलो, लोअर वाले मुझे बताओ ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है कम हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना। वैसे ही अगर मैं बोलूं बेटा, बोरोन के बाद क्या आता है, CCl4 कहे CG सुने, ऊपर से नीचे आ अगेन आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है बेटा। यस सर। हां बोलो। जी सर। अरे आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर क्या होते जा रहा है, कम सॉरी बढ़ रहा है, मुझे पता है बेटा ये कोवलेंट कैरेक्टर क्या होते जा रहा है कम, तो हाइड्रोलिसिस भी क्या होते जा रहा है बेटा कम, तो CCl4 पर मैक्सिमम शो करेगा नहीं, हां CCl4 मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम कौन करेगा, SiCl4। बेटा मैं बार बार क्यों इसको इतना बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, समझ में आ रहा है ना, मैक्सिमम इसको लेकिन ये करता ही नहीं है SiCl4, मैक्सिमम यहाँ पर ये होगा। सबको क्लियर बेटा? यस सर। चलो अब हम लोग बात करते हैं, मुझे एक बात फिर से बताना, ठीक है। अब मैं नाइट्रोजन कंपाउंड में आता हूँ, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के हैलाइड की बात करता हूं, मिटा दूं इसको, सबके समझ आ जाए, ठीक है ना, और आप मिटा दिए। यस सर। अरे बेटा वही तो था CCl4, यस सर, नहीं लिखे थे हम लोग। अरे तो बेटा दिमाग में तो लिखा होगा ना, क्या लिखाया? अरे यार तुम लोग बहुत रोते हो, ठीक है ये नहीं करता था पता है ना। हां सर। हां ये करता है, तो ऊपर से नीचे आ रहे, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, हाइड्रोलिसिस नहीं, कोवलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, हाइड्रोलिसिस कम हो रहा है, मैक्सिमम किसी का होगा, नहीं तो लिखा ना, ठीक है क्या? चलो एक बात बताओ मुझे, क्या बेटा NF3, फिर से इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा NF3 का हाइड्रोलिसिस होता है कि नहीं होता? नहीं होगा,
नहीं 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 होगा सर, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वैकेंट ऑर्बिटल क्या बेटा इसमें? अब्सेंट है, और अब्सेंट होने की वजह से यहाँ पर हाइपोथेसिस नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बेटा? ठीक है ना, ऐसा है नहीं। वही क्वेश्चन फिर से लिखना, लिख लेना व्हाई NF3 डज नॉट हाइड्रोलाइज, रीजन क्या? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑर्बिटल। हां तो ध्यान रखना बेटा ना, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है चलो, अच्छा मुझे बताओ NCl3 का होता है नहीं तो? अरे NF3 का नहीं होता, NCl3 का होता ही नहीं, नहीं होगा वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है इसका बेटा, इसका भी नहीं होगा, नहीं होगा। Cl का होगा, N का नहीं होगा। अच्छा तो अच्छा ठीक है, ऐसा क्या होता है? Cl में होगा क्योंकि उसमें वैकेंट और वाइटल है, N में नहीं होगा तो उसका नहीं होगा। नहीं अब मेरे पास सुनो ध्यान से जी। पहले प्लीज प्लीज ना, अब आप लोग ना थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, हो जाएगी बेटा बिल्कुल। वैकेंट ऑर्बिटल किसमें होना चाहिए ना बेटा? वाटर अटैक कर, जैसे वाटर अटैक करेगा, वाटर तो न्यूक्लियोफाइल है, वो तो पॉजिटिव भी अटैक करेगा है ना। जैसे मैं ध्यान रखना बेटा, तू सुने मेरी बात, NCl3 में नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है लेकिन क्लोरीन के पास है, तो चेक करो क्या क्लोरीन पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि वाटर जो अटैक करेगा वो पॉजिटिव पे ही अटैक करेगा, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल हमको देखना है पॉजिटिव पे, तभी तो वो वाटर उसमें अटैक कर पाएगा ना, अगर वो नेगेटिव होगा तो वाटर तो अटैक ही नहीं कर पाएगा। आप तो ये भी तो बोल सकते थे सर CCl4 भी तो करेगा, सर तो क्लोरीन के पास भी तो वैकेंट ऑर्बिटल है, अरे है कि नहीं? नहीं यहाँ पे नेगेटिव है ना। तो करेगा तो ये पूरा सही जवाब नहीं, पूरा सही जवाब ये होगा कि सर CCl4 में कार्बन पॉजिटिव है, CCl4 में कार्बन पॉजिटिव चार्ज रखता है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। नाइट्रोजन NCl3 में हम क्लोरीन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि बेटा अगर स्ट्रिक्टली मैं फिर भी देखूं तो नाइट्रोजन और क्लोरीन में नाइट्रोजन माइनस है रखेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी जरूर बेटा लगभग तो सेम होता है वैसे, लेकिन फिर भी देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से थोड़ी सी ज्यादा जरूर है, डेसिमल में भी अगर बात करें तो क्लोरीन यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है, और क्योंकि क्लोरीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है तो वैकेंट ऑर्बिटल हम लोग कहाँ पर देखेंगे? क्लोरीन में देखेंगे, और क्योंकि वहां पर वैकेंट ऑर्बिटल होता है इसी वजह से NCl3 का हाइड्रोलिसिस होता है। समझ में आ रहा है क्या? फिर से सुनो मेरी बात बेटा, एक बार फिर से सुनना, दूसरे तरीके से बताऊंगा फिर मैं लिखा दूंगा। देखा NCl3 होता है बेटा हाइड्रोलाइज्ड, NCl3 को वाटर में डालेंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? रुक जाओ बेटा, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मान लेना, मैं बोल रहा हूँ मान लेना NCl3 का हाइड्रोलिसिस होता है। अरे मान लिया क्या? मान लिया सर। हाँ बेटा NCl3 का मैं फास्फोरस ले लेता हूँ, PCl3 का भी क्या होता है? हाइड्रोलिसिस होता है। मान लो, अरे होता है, नहीं होता है? हाँ होता है सर। ठीक है बेटा, अभी सुनना, PCl3 CL CL CL, ये वाटर ले लो बेटा, तीन वाटर ले लेना, कितना ले लेना? 3 H2OH, ठीक है ना, एक OH आएगा, एक Cl निकलेगा, POH OH OH, यहाँ पर फास्फोरस पार्शियल पॉजिटिव है, क्लोरीन पार्शियल निगेटिव। अगर ऐसा ही इसमें होता, अगर जैसा जैसा हाइड्रोलिसिस इसमें ही होता तो प्रोडक्ट भी बिल्कुल ऐसा ही बनना चाहिए था, NOH NOH NOH, अरे हाँ ना बोलो। यस सर। जैसा हाइड्रोलिसिस यहाँ पर हो रहा है यहाँ, ठीक है ना बेटा, अगर इसमें भी वैसा ही अगर होता तो प्रोडक्ट तो बिल्कुल ऐसे ही बनना चाहिए था, फास्फोरस की जगह यहाँ पर नाइट्रोजन आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस का तरीका अलग है। वो अलग क्या है वही मैं बताना चाहता हूँ। ऊपर लिख लिया क्या बेटा? हाँ सर। हाँ तो ऊपर लिख लिया तो सुनी लेना मेरी बात, ये नाइट्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है बेटा, यहाँ पर ये पार्शियल 3 निगेटिव रखता है, ये पार्शियल पॉजिटिव
नेगेटिव, पार्शियल थ्री नेगेटिव, समझ में आ रहा है क्या? तो NCl3 में क्लोरीन जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट वही रहता है, नाइट्रोजन नहीं, जबकि फॉस्फोरस में फॉस्फोरस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है तो ये पार्शियल नेगेटिव। अरे अब क्लियर है क्या? हाँ, yes, तो जो वाटर है ना बेटा, जो वाटर है H2O ऐसे लिखता हूँ मैं, ठीक है, प्लस OH2, ठीक है ना, OH2, तो ये क्या करता है बेटा, वो इसके साथ बॉन्डिंग करता है, तो जब ये इसके साथ बॉन्डिंग करता है ना, मतलब अटैक किसमें करेगा, इसी में करेगा। हाँ, तो ध्यान रखना बेटा, तो जब ये अटैक करता है ना, तो यहाँ से HOCl प्लस, ठीक है ना बेटा, ये HOCl ये यहाँ से निकल जाए, डिफरेंट कलर से यूज करना, ये HOCl निकल जाता है और ये H इसके साथ जुड़ जाता है, मतलब क्या बेटा, एक H ऐसा आ गया, OH नहीं। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। प्लस HOCl, प्लस HOCl और अगेन HOCl, यहाँ पर हाइपोक्लोरस एसिड मिलता है, ठीक है ना। अब अगेन बेटा फिर से, अब इतना ये तो अभी एक ही हुआ है, अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, तो कंटिन्यू जब करेंगे बेटा, यहाँ पर अगेन इसके साथ फिर से दो मोल वाटर आएगा। अरे हाँ ना बोलो। हाँ। अरे दो मोल और वाटर ले लो ना। जी सर। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा बेटा, एक सील और निकलेगा, एक सील और निकलेगा, एक एच आएगा, एक OH नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एच, और एच ओ सी एल बाहर निकलते जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर जितने क्लोरीन उतने एच आ जाएंगे फाइनली, NH3। और कितने एच ओ सी एल बेटा? तीन। अगर आप तीन मोल वाटर लेते हो तो NH3 बनता है, मतलब यहाँ पर बेटा H3PO3 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर NH3 बन रहा है। NH3 का बनना, ठीक है, इस बात का एविडेंस है कि इसका जो HCl3 का जो हाइड्रोलिसिस है वो PCl3 के जैसा नहीं है, कुछ अलग नहीं होता। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। बेटा मैं जितना सिंपल तरीके से समझा पा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं समझा रहा हूँ ना, ये ऐसा आपको बुक में नहीं मिलता उतना अच्छे से क्लियरली, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। कैरी करता है, और जो भी पॉजिटिव चार्ज कैरी रखता है बेटा, उसी में ही हमको वैकेंट ऑर्बिटल चेक करना होता है कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं। अभी क्लियर सबको? लिखना चाहो, हाँ हाँ लिखना चाहो लिख लेना बेटा, काम करो तो, हाँ लिखो लिखो, पहले तो इसको मैं बेटा पहले लिख लो। NCl3 में जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे ना, तो हमें बनने वाला कंपाउंड क्या बनता है बेटा, NH3। बेटा NH3 या फिर इसको NH4OH भी लिख सकता हूँ क्या? ऐसा तो नहीं कि आपको ऑप्शन में NH4 दिया हुआ है, अरे सर इनने तो NH3 बताया था। नहीं, ठीक है, नहीं बोलोगे ना? नहीं, वाटर ऐड करके, वाटर के साथ बेटा NH3, वाटर के साथ NH4OH तो बना सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो इतना समझदारी आप लोग रखना भी है ना, ऐसे नहीं कि सर ने तो ये बताया था ये तो नहीं है, ऐसा एकदम से रटने वाला काम कभी मत करना, ठीक है ना, थोड़ा सा समझदारी जरूर रखना। जब NH3 बन सकता है तो NH4OH भी बन सकता है वाटर के साथ में, NH3 प्लस वाटर NH4OH बन जाएगा। अरे ऐसा नो जी सर। तो एन, तो यहाँ पर जब NCl3 का हाइड्रोलिसिस होता है तो NH3 और साथ में मिलता है बेटा H2Cl। क्लियर है क्या? है ना, लेकिन हाँ तो लिख लेना, इन NCl3 क्लोरीन हैज पार्शियल पॉजिटिव, इन NCl3 क्लोरीन हैज का बेटा पार्शियल पॉजिटिव, एंड हैविंग एम्प्टी 3D ऑर्बिटल। समझ पा रहे हो क्या? सो क्या बेटा, सो जो वाटर होगा वो किसमें अटैक करेगा, सो वाटर अटैक ऑन क्लोरीन एटम, और ऐसे यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। बेटा आप चाहो ना तो इसको ना यहाँ पर क्लोरीन लिखेगा ना, ये तो समझने के लिए ना, ये इसको आप लोग जो भी लिखोगे इसको ये समझने के लिए है। अरे ठीक है, क्या HOCl लिख दिया, एक H आया। अरे हाँ ना बोलो। जी सर। अगेन वाटर आएगा बेटा, तो एक सील फिर निकलेगा, एक H और आएगा, ठीक है ना, और HOCl बनता जाएगा, है ना। बिल्कुल, यस सर। तो ये ध्यान रखना, तीन स्त्री कैसे आ गया सर, तो
समझना कि तीनों एक एक बार एक एक बार हुआ है, क्लियर है ना? हाँ हाँ। आप एक काम करो, एक काम करो, आप लोग ने सीएल ही लिख लेना, सीएल इतना लिख लोगे ना और इसको थ्री टाइम्स कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? ठीक है हाँ। इनटू थ्री टाइम्स, इनटू इनटू इसी को कर देना थ्री टाइम्स, मतलब इसी में अगेन दो टाइम्स अगेन यही होगा बेटा। और मैं सो बेटा पे बंद कर देना है, समझ में आ जाएगा मैं क्या ही समझा रहा हूँ, है ना? हाँ हाँ आगे से ठीक है। हाँ बोलो बेटा, समझ में आ गया ना? हाँ चलो। तो जो कहानी NCL3 की, क्या वही कहानी PCL3 की भी? नहीं, हाँ दोनों का हाइड्रोलिसिस हो तो रहा है, ठीक है ना, मतलब दोनों का तो हो रहा है लेकिन अलग अलग तरीके से हो रहा है। PCL3 का जब हाइड्रोलिसिस होता है बेटा तो यहाँ पर बनता है क्या, S3PO3, या इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, या POH बोलते हैं, इसलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हो, ठीक है? अरे समझ पा रहे हैं क्या? प्लस प्लस का 3HCl, यहाँ पर HCl मिल रहा है पर वहां पर HCl नहीं मिलता, HOCl मिलता है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ठीक है, इसके बाद फिर क्या बेटा, आर्सेनिक ले लो, आर्सेनिक ले लो, एंटीमनी ले लो, बिस्मथ ले लो। तो जैसा आर्सेनिक का मैं बात करूं, AsCl3 प्लस, तो ये सब तो यहाँ अगेन यहाँ पर वाटर ले लो बेटा, प्लस ले देता हूँ यहाँ पर प्लस 3H2O, तो अगेन बिल्कुल ऐसे ही होगा, बन जाएगा S3AsO3+3HCl। लेकिन अब सुनते चलना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सुनते चलना बेटा। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं बेटा, आयनिक कैरेक्टर क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होते जा रहे हैं, कम होता जा रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस भी क्या होते जाएगा, कम होता जाना चाहिए, कम होते जाएगा, सुना कम होते जाएगा, अभी नहीं शो किया हूं, नहीं 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 हो, ऐसा कुछ नहीं होगा सर, ऐसा होगा बेटा। अब सुनना, SbCl3, जब SbCl3 में जब हम लोग वाटर डालते हैं ना, जब इसका जब हाइड्रोलिसिस हम लोग कराते हैं ना, तो हमको मिलता है SbOCl, SbOCl मतलब यहां पर हाइड्रोलिसिस अब क्या हो गया बेटा, पार्शियल हो गया है Sb और, ठीक है ना, बिस्मथ में, बिस्मथ ट्राइक्लोराइड और एंटीमनी ट्राइक्लोराइड बेटा, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस जो होता है बेटा पार्शियल होता है, और यहाँ पर मिलता है SbOCl और यहाँ पर मिलता है BiOCl, यहाँ पर मिलता है 2H, हाँ दो, यहाँ पर दो वाटर लेते हैं बेटा, तीन है ना, हाँ 3HCl, इसमें भी 3HCl, इसमें भी क्या BiOCl, I'm sorry 3HCl, ऐसा। तो यहाँ पर जो होता है बेटा, इनका जो होता है ना, इनका होता है पार्शियल, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस क्या होते जा रहे हैं बेटा, कम होते जा रहे हैं। तो नाइट्रोजन, तो एक तो ध्यान रखना बेटा यहाँ पर ना, नाइट्रोजन वाले इसमें सीरीज में इसी का ही पूछा जाता है आपको, मैं पी ब्लॉक में आपको एनसीईआरटी भी बताऊंगा, एनसीईआरटी आप देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है क्या? हाँ बोलो सर, कोवेलेंट कैरेक्टर वहां पे कम हो रहा है ना? हाँ कोवेलेंट कैरेक्टर कम होते जा रहा है, तो हाइड्रोलिसिस भी क्या होते जा रहा है बेटा, कम। तो यहाँ पर नाइट्रोजन सीरीज में कई बार बेटा हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछ लेता है, तो एक तो इम्पोर्टेंट सबसे पहले यहाँ पर कि NCl3 और PCl3 में हाइड्रोलिसिस के बाद मिलने वाले जो प्रोडक्ट बेटा बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें हमको अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जबकि यहाँ पर मिलता है हमको क्या, फॉस्फोरस एसिड। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या बेटा? तो ये दोनों डिफरेंट से पहले ही याद रखना, देन इसके बाद फिर हम लोग ये तो कॉमन, जैसा हमने पहले देखा था BCl3 में या BeCl2 में, इनमें ऐसे ही हुआ बेटा, अरे हाँ ना बोलो, लेकिन जब हम नीचे जाते हैं तो आयनिक रिएक्टर बढ़ते जाता है, हाइड्रोलिसिस कम होता जाता है, तो नीचे वाले जो कंपाउंड है इनका जो हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट है बेटा वो हमको और डिफरेंट मिलता है यहाँ पर SbOCl या BiOCl। सबको क्लियर है कि नहीं है सर? हाइड्रोलिसिस कम होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। अरे कोवेलेंट कैरेक्टर, अच्छा 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 वही तो। तो बेटा बताओ ना कि सर यहाँ पे एरो गलत लग गया है, तो मैं बोल रही हाँ। थी भाई। अच्छा बोल रहे थे क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, नहीं लेकिन मैं वर्बली तो सही बोल रहा था ना। हाँ वो सही था सर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, क्या बेटा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सर, उसका तो स्ट्रक्चर अलग था, उसका स्ट्रक्चर अलग है। शाबाश शाबाश। अब सुनो वेरी 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 गुड। अब सुनो, ये मैं अगर मैं नहीं बताता, अगर कोई नहीं पूछता तो सुनना। अब ये प्रॉब्लम है बेटा, क्या प्रॉब्लम होता है आपके एनसीईआरटी में,
एक्चुअल में इसका सही आंसर है ये, इस एक्चुअल में इसका सही आंसर ये है, जो कि क्लोरीन जब निकलेगा तो ओएच चिपकेगा। समझ पा रहे बेटा? और ये पीओएच थ्री को ना बेटा हमको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन कई सारे बुक्स में ऐसे ही दिया रहता है और हम लोग, अरे समझ पा रहे हो क्या? ठीक है ना, तो इसलिए मैं इसको भी लिखवा देता हूँ इसको, क्योंकि एनसेट में भी दिया हुआ है एक बार। लेकिन लेकिन बेटा यहाँ अगर देखे ना, इसको देखने पे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, इसको देखने पे हमको लगता है कि ट्राइप्रोटिक एसिड होगा, क्योंकि तीन एच प्लस दे सकता है, लेकिन अगर इसको देखें तो बेटा ट्राइप्रोटिक होता है, ट्राइप्रोटिक नहीं। तो ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यही इसीलिए बेटा यहाँ पर आपके बुक्स में ना, कई सारे बुक्स में ना इनका जिक्र यही लिखा रहता है और आंसर भी इसी को टिक करके ऑप्शन में भी यही होता है। तो मैं इसलिए आप लोग को बताना नहीं चाह रहा था, ठीक है ना, इन सबके बारे में, लेकिन अच्छी बात है कि आपने यहाँ पर देख लिया, समझ लिया। तो ये दोनों वैसे तो बेटा अलग, मतलब ये ट्राई प्रोटीन को बता रहा है, अरे हाना बोलो, मतलब बोलेंगे ये पीओएच होल था इस दिया रे, तो ये ट्राई प्रोटीन दिया है बेटा, दिया है बुक्स में, इसलिए कंसिडर कर लो। मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर बुक्स में दिया हुआ है ठीक है ना, तो आपको कंसिडर कर लेना चाहिए, लेकिन लेकिन एक्चुअल देखा जाए हाँ एक्चुअली ये अलग अलग है। अगर एसिड प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका ये स्ट्रक्चर है, हाँ, वही तो। जबकि यहाँ पे, जबकि ये वाला जो है ये क्या बता रहा है, पीओएच ओएच ओएच, और इस हिसाब से बेटा इसको पी ट्राई प्रोटीन है, हाँ, जो ट्राई प्रोटीन है ना, एक एच प्लस, दो एच प्लस, तीन एच प्लस, यहाँ पर ट्राई प्रोटीन एक एच प्लस, ये वाला तो दे ही नहीं सकता, ये वाला ये तो रिड्यूसेबल है, ये एच ये एच, तो बेटा हाँ, तो अगर आप देखा जाए ना मोस्ट करेक्ट ये है, ये नहीं, लेकिन फिर भी यही ये दिया रहता है, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया और करके पीओएच प्लस साइज लिख दिया। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी जैसा बेटा जैसा बोल रहा है ना, मतलब जैसा लिखा हुआ है आंसर भी वैसे जा रहा है, तो हमको वो कंसिडर कर लेना चाहिए, वहां पे हमको जबरदस्ती ऑर्गुमेंट करके ना हम अपना ही घाटा कर लेंगे, ठीक है बेटा? कि पीओएच होल थ्राइस क्या है, ट्राइप्रोटिक या डाइप्रोटिक, तो हम ट्राइप्रोटिक लगाएंगे, है ना? अगर ऐसे लिखेंगे ना पीओएच होल थ्राइस क्या है, ट्राइप्रोटिक लिखोगे, लेकिन ऐसे पीओएच अगर पूछा तो ये क्या है, ये डाइप्रोटिक है। समझ में आ रहा है क्या? जी सर। तो एक बार पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे केक का, क्या बेटा? देखो इसको बेटा, इसको तो आप लोग याद कर लेना, अब हर चीजें ना उसका मैकेनिज्म जैसे नहीं बनते, तो इसको आप लोग ना ध्यान रख लेना, ठीक है? जैसे आपका SbCl, 2Cl, 3Cl, तो बेटा यहाँ पर जैसे H2O है, HOH, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है ना? तो हर किसी का बेटा यहाँ पर ना, जैसे यहाँ पर ऐसे कैसे बनेगा बताओ, यहाँ पर ये बनता है, ये HCl निकलेगा, ठीक है ना, और ये तो पहले ये OH जुड़ेगा और उस OH को एक और C लाके, ठीक है ना, यहाँ से ये जो है पहले तो ये SbCl, बेटा इसको छोड़ दो, इसको याद ही रखना, इसको याद ही रखना, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, क्या बोल रहे हो सर? वो जो OH के साथ जुड़ा हुआ था उसका H और Sb का एक CL, हाँ हाँ मैं वैसे ही कर रहा था, लेकिन बेटा वो फिर से ना, फिर बाकी क्लोरीन के बारे में भी आएगा, उसको छोड़ दो, जब मैं कभी सोच के बताऊंगा कि इसका क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, बुक में नहीं दिया हुआ है, पर मैं सोच के भले आपको जरूर बता दूंगा, लेकिन बेटा ऐसे ही याद हो जाता है यार, ठीक है ना? ठीक है, बात समझ पा रहे हो क्या? जी सर। हाँ, तो इसको, अरे पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है, बस इतने ही से काम कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है? इतना ध्यान में रखना कि क्लोरीन यहाँ पर प्लस होता है, लेकिन अगर स्टीम दे तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर लेगा ना, क्या बोल, नहीं क्लोरीन माइनस होता है, स्टीम क्या बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो? अगर स्टीम दे तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर लेगा ना, स्टीम दिया जाए तो कर सकता है, हाँ ठीक है, स्टीम दिया तो कर सकता है, लेकिन बेटा देखो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ना मैं ये सारी बातें ना बेटा, जो बातें ना आपके ना बुक में दी गई है, जो लिटरेचर में है, मैंने काफी कुछ बुक्स स्टडी करी हुई है और भी कर ही रहा हूँ, लेकिन बेटा देखो जो बुक्स में नहीं है ना, उसके लिए मैं आपको ना 100% नहीं बोल सकता, समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? जो बुक्स में दिया हुआ है, जिसमें काम किया गया है, ठीक है ना, उसी के बारे में, तो इनके बारे में जो जिक्र किया गया है वो इतना ही है कि ये जो होता है ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस देता है और ये बनाता है, बस, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। है ना? तो हम लोग एक्स्ट्रा जो हम लोग सोच रहे हैं ना बेटा स्टीम के साथ, तो उसके बारे में जब वो थीसिस
मेरे को मिलेगा, मैं पढ़ा होऊंगा तभी मैं आप लोगों को 100% बोलूंगा, अदरवाइज मैं उसके लिए बस यही बोल सकता हूँ कि हाँ पॉसिबल है, हो सकता है, मतलब बीच का रास्ता। समझ में आ रहा है क्या? जी सर। ठीक है, सबको क्लियर? जी सर। चलो यस सर। तो ये है। अच्छा एक बात और मुझे बताएंगे, इसका नहीं मिलता, लेकिन इसका नहीं मिलता मतलब बेटा इसका 100% मतलब 100% बोलता हूँ, इसका पार्शियल ही हर जगह आपको पार्शियल ही मिलेगा, नहीं मिलता इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चलो बेटा एक बात बताओ, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा था PCl5 पे जब हाइड्रोलिसिस होता है तो कौन सा कंपाउंड मिलता है? याद करो बेटा, मैंने बताया था PCl3 का बनता है, PCl3 का बनता है बेटा H3PO3, ऑर्गेनिक में भी पढ़ा हुआ आप लोगों ने, याद आ रहा है क्या बेटा आपको? जैसे आपने एल्कोहल के साथ देखा था, मैं याद करा रहा हूँ, PCl3 एल्कोहल के साथ देखा था ROH। एक सेकंड, नीचे इसको मिटा दो बेटा, नीचे इसको मिटा दीजिए। तो एल्कोहल नहीं, वाटर के साथ ही देखा होगा, एल्कोहल के साथ ही देखा होगा। चल ठीक, अल्काइल हैलाइड बना रहे थे। हाँ तो यहाँ पर क्या बनता है बेटा, इसको मैं उल्टा लिख दिया क्या, इसको उल्टा लिखता हूँ, एल्कोहल ऐसा हो गया और CL 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 ये ऐसा, तो यहाँ पर क्या बनता था बेटा, तीन मोल अल्काइल हैलाइड है ना, और क्या बन जाता था H3PO3। देखो मिल गया क्या, आप एल्कोहल को नाम करके वाटर कर देना, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, बात समझ में आया क्या? कर सकते इसीलिए इसको H3PO3 आंसर इस हिसाब से ये जाता है। समझ में आया नहीं आया? ठीक अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा H3PO3, लेकिन PCl5 के साथ क्या होता है बेटा? PCl5 के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है? तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया ट्रिक, PCl3+HCl, ये HOH, ये ऐसा, अरे हाँ ना बोलो, ROH लिखाता था ना ऐसा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता था, एल्काइल हैलाइड POCl3HCl, अभी आप क्या कर दो, इसको वाटर कर दो, तो यहाँ पे भी HCl, यहाँ पे भी दो HCl निकल गया क्या, है ना, और बन गया POCl3+2HCl, यस और नो? इसको आप लोग लिख चुके, इसको मिटा रहा हूँ। अरे हाँ ना बोलो ना। हाँ सर। हाँ अब मुझे बताओ, ये दो HCl मिल गया, अगेन बेटा अगेन POCl3 मैं फिर से लिखता हूँ, P double bond O फॉस्फोराइल ट्राइक्लोराइड, ये ऐसा, और फिर से तीन वाटर लिख लेता हूँ बेटा, HH HOH HH OH, अगेन यहाँ से निकल जाता है थ्री HCl अगेन निकल गया, और अब क्या बन गया बेटा, H3PO, समझ में आया? यस सर। आया कि नहीं आया? यस सर। तो फाइनली अगर मैं अपने रिजल्टेंट बोलूं मैं सीधा, ठीक है बेटा, मतलब मैंने टोटल कितने, एक वाटर यहाँ पर, तीन वाटर यहाँ पर, तो मैं नेट रिजल्टेंट बोलूं बेटा, तो PCl5+ कितने मोल वाटर, तीन और एक चार, 4H2O क्या बना फाइनली बेटा, POCl जो अभी इसमें कन्वर्ट हो गया, 3 HCl लिया, 3 और 2 5 HCl, मतलब मिलता है यहाँ पर 5 HCl, और साथ में क्या मिल गया बेटा, H3PO। तो बेटा आपको यही ध्यान रखना है कि PCl5 का हाइड्रोलिसिस जब होता है ना तो ये फॉस्फोरिक एसिड देता है, जबकि PCl3 वाटर के साथ में क्या मिल देता है, फॉस्फोरस एसिड। सबको समझ याद रहेगा मिल जाएगा? हाँ सर। इसको दोनों को याद रखना, ये है कौन, काम की बात इतनी है, काम की बात यह है कि PCl5 फॉस्फोरिक एसिड देता है, PCl3 फॉस्फोरस देता है, तो PA देखो, तो सर उल्टा नहीं है? तो क्या क्या हो गया? क्या उल्टा है सर? मेरे को लग रहा था PCl3 वाला वो फॉस्फोरिक एसिड। हाँ तो बेटा ध्यान में रखना, तो यहाँ पर ना ये भी बातें सही हैं, और अगर इसको आपको POH4 करके दिया भी, वैसे ये नहीं देता लेकिन बुक्स में मिलता है ये बात,
तो बेटा ये बात ये वाला जो है ना वो उस वाले मैकेनिज्म से मैं आपको समझाया हूँ, और ये वाला जो बेटा और किस तरीके से समझ में आया होगा। अरे हाँ ना बोलो, तो इसलिए दोनों को कंसिडर करना, आप लोग दोनों को कंसिडर कर लेना, ठीक है बेटा। लेकिन अलग अलग पूछा जाए कि ये कौन सा प्रोटीक है, ये कौन सा प्रोटीक है, तो ये ट्राई लेकिन ये डाई, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो ना, हाँ सर, सबके सब जिंदा होना भाई, यस सर, जिंदा सर, जिंदा होना। चलो अब ना कहानी खत्म करते हैं, बहुत हो गया, जल्दी से खत्म करते हैं। सुनो अब मैं ना कुछ दूसरे कंपाउंड्स के ना बेटा मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, और फटाफट ना इसका ना हम लोग ना आंसर लिखते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में मैं आप लोग को तुरंत बताते जाऊंगा, जिसको अभी यहाँ पे लिखा रहा हूँ। हाइड्रोलिसिस ऑफ जैसे कार्बाइड हो गया, नाइट्राइड हो गया, या फॉस्फाइड, इसके सबके मैं आप लोग को यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराता हूँ, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस सम अदर हाइड्रोलिसिस लिख देता हूँ मैं, सम अदर हाइड्रोलिसिस। देखो आ गया क्या, नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करें, बहुत स्टक हो रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं बचे हैं, बाकी वो नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा। चलो आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे को, ठीक है। सर इवनिंग में क्लास होगी क्या? इवनिंग में, हाँ इवनिंग में क्लास होगी आप लोगों की? जी सर, ठीक है चलो। डेटा तो खत्म हो गया, डेटा आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा ले लेना यार, थोड़ा सा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं अगले क्लास में। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। चलो थैंक यू सो मच बेटा, रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा। हाँ मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा बेटा, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।